हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो मजा आ रहा होगा आई थिंक एनसीईआरटी को पढ़ने में। लाइन टू लाइन हिंदी समझ में आ रही होगी, मीनिंग समझ में आ रहे होंगे। और अब लग रहा होगा कि एनसीईआरटी सिर्फ याद करनी है हमें, बायो की समझ में तो सारी आ गई है। अगर सही से पढ़ रहे हो, अगर मेरे साथ एनसीईआरटी निकाल के बैठते हो तो पहला काम क्या करना है? एनसीईआरटी निकाल लो, निकाल लो भाई, एनसीईआरटी निकाल लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, आओ। है ना, बायोलॉजी बड़ी मजेदार चीज है ना, कहानी की तरह है। तो लेक्चर नंबर 2, चैप्टर नंबर 15, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। काफी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी और उम्मीद है आज के लेक्चर में ये लेक्चर खत्म भी हो जाएगा, मतलब चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आओ आगे चलते हैं हम लोग। आज हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स की। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करना। मैंने बताया था रेगुलेटर हमारे गैस में होता ना, रेगुलेटर कम ज्यादा, कब बढ़ाना है कब घटाना है। तो प्लांट की ग्रोथ को भी कंट्रोल करने के लिए कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, और ये रेगुलेटर्स कुछ और नहीं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर पाए जाते हैं। जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं उनको हम लोग कुछ केमिकल्स कहते हैं, और ये केमिकल्स कुछ और नहीं प्लांट के हार्मोन्स कहलाते हैं। हार्मोन्स समझते हो गए, एनिमल्स के हार्मोन्स, हम लोगों के हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हो क्लास 9th में, क्लास 10th में। ठीक है, वैसे ही कुछ ऐसे केमिकल्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जो उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, कितना बढ़ना है, कितना घटना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब आइए देखते हैं, ठीक है, उनके बारे में कुछ जनरल बातें डिस्कस करें हम लोग कि एनसीईआरटी हमसे क्या पढ़वाना चाहती है। देखो बच्चों, साफ सीधी बात है, सीबीएसई में भी सब कुछ एनसीईआरटी से आता है, इवन इन बोर्ड्स। और अब जो ट्रेंड चल रहा है नीट का, उसमें ऑलमोस्ट है ना 90 क्वेश्चन में से, ठीक है ना, 89 क्वेश्चन, ठीक है, मतलब वो 100 में चला गया था एक्चुअली, 100 मार्क्स का उन्होंने लगाया ना। चलिए हम पूरा 100 ले लेते हैं कि 5-5 ऑप्शन में हो रहा है। पता है इस समय प्रेजेंट टाइम में नीट की क्या कंडीशन चल रही है, 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-5 ऑप्शन में निकल रहे हैं। तो मान के चलो कि कम से कम 98 से 99 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस होती हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसा हो जाते हैं, क्या होते हैं, जो होते हैं एनसीईआरटी से ही है, लिंकअप कर दिए जाते हैं थोड़ा सा, क्या कर दिए जाते हैं, लिंकअप कर दिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी की तो 99 हमें याद करनी है। तो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उसके गुण की बात कर लें, कैरेक्टर्स क्या है उसके। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर शॉर्ट फॉर्म में कहा करेंगे, पीजीआरस आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। कह रहा छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, डाइवर्स मतलब भिन्न भिन्न, है ना, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कंपोज होना, गाना कंपोज करते हैं, किससे बना हुआ है। तो साफ साफ हो गया क्या होते हैं पीजीआर, छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। उनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा, फॉर्मुलेशन होगा, वो अलग अलग होते हैं सबके। क्लियर है? दे कुड बी इंडोल। अच्छा, अब इंडोल क्या होता है, जैसे पायरोल होता है ना एक रिंग, बेंजीन एक रिंग है, वैसे एक इंडोल एक रिंग होती है, जो खासियत है कि हाँ उसके अंदर ये रिंग पाई जाएगी तो उसे हम इंडोल फैमिली से बोल देते हैं, या इंडोल कंपाउंड बोल देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब इसके स्ट्रक्चर में नहीं जाना हमको, बात समझ में आ गई है। जिसके अंदर बेंजीन रिंग पाई जाती है उसे बेंजीन कंपाउंड बोल देते हैं, एरोमेटिक बोल देते हैं। वैसे जिसके अंदर इंडोल पाया जाएगा उसे इंडोल कंपाउंड बोल देंगे, परेशान नहीं होना। जाना है बहुत डीप तो जा सकते हो, इंडोल का एक बार स्ट्रक्चर देख सकते हो, बट हमको यहां पे जरूरत नहीं है। इंडोल कंपाउंड्स बेसिकली क्या है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड IAA, एडेनाइन डेरिवेटिव्स, एडेनाइन याद आया, एडेनाइन। अब बहुत सारी एडेनाइन कहां पढ़ा था, बायो मॉलिक्यूल्स में। याद आया? नहीं आया तो पॉज करो, मैं बताता हूं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे, क्या पढ़े थे, न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था, राइबोस सुगर, नाइट्रोजन बेसिस, उसके अंदर प्यूरिंस पायरिमिडिन्स, याद आ रहा है, प्यूरिंस पायरिमिडिन्स। उसके अंदर क्या था, एडेनाइन था प्यूरिंस के अंदर। पॉज किया, देख लिया, क्लियर। तो एडेनाइन डेरिवेटिव यानी कि उस एडेनाइन से मिलकर अगर कोई चीज बनेगा
ठीक है, उस एडेनाइन में कोई चीज जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेनाइन डेरिवेटिव। इसका एग्जांपल कौन है, N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन होते हैं तो N6 परफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन काइनेटिन, दूसरा नाम क्या है इसका, या एग्जांपल क्या है इसका, काइनेटिन। ठीक है, एडेनाइन डेरिवेटिव में दो आ गया हमारे पास, इंडोल कंपाउंड में एक आ गया। ओके, डेरिवेटिव्स ऑफ कैरेटिनॉइड्स, कैरेटिनॉइड्स जैंथोफिल कैरेटिनॉइड्स याद आए। ओके, इसमें क्या आता है, एप्साइसिक एसिड ABA कहा जाता है इसको, टर्पीन्स अगेन आर क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर तुम्हारा गिब्रेलिक एसिड GA3 कहा जाता है, बड़ा कॉमन है GA3, और गैसेस कुछ गैसेस के रूप में भी पाई जाती हैं। अब तुम कहो प्लांट के अंदर गैसेस, यस, इथाइलीन C2H4, बात समझ में आ रही है। तो अब तुमको यहां पर क्या करना है बच्चों, जो हमेशा कहता हूं मैं नहीं लिखता हूं लेकिन तुमको करना है, वीडियो पॉज करेंगे ठीक है, PDR में हमारे पास जो तीन चार तो दे दिए यहां पर, इंडोल कंपाउंड IAA, फिर क्या आ गया हमारे पास, एडेनिन डेरिवेटिव, इंडोल कंपाउंड एडेनिन डेरिवेटिव, ठीक है, उसके बाद क्या मेरे पास, टर्पीन्स, और फिर क्या आ गया मेरे पास, गैसेस, कैरेटिनॉइड है एक क्या है, कैरेटिनॉइड्स, और एक क्या आ जाएगा मेरे पास, फिर गैसेस। इस तरीके से एक, ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 लिख करके इनके एग्जांपल इस तरह से सामने से क्या करोगे, नोट करोगे, साइड में ही इसी के साइड में निकाल लेना, ठीक है ना। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन इन लिटरेचर, जो लिटरेचर है बड़ी किताबें हैं उसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को वेरियसली अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, कहीं पर उसे ग्रोथ सब्सटेंस बोला गया है, कहीं पर प्लांट हार्मोन्स बोले गए हैं, और कहीं पर फाइटो हार्मोन्स, फाइटो प्लांट फाइटो हार्मोन्स बोल करके डिस्क्राइब किया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्रोथ सब्सटेंस बोलता है, प्लांट हार्मोन्स बोलता है, या फाइटो हार्मोन्स बोलता है, वन ऑफ द सेम थिंग, सब कुछ क्या है, सेम है, क्लियर है। तो इतनी बातें हमें पता चली, ठीक है, अब इसमें जो चार पांच चीजें निकल के आई हैं उसको यहां पे साइड में लिख लो वीडियो पॉज करके, चले आगे, क्लियर है बातें, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, अच्छा उसने कुछ केमिकल बता दिया हमको, आगे आते हैं, क्या रहा है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स PGRs कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स, हम लोग इसको दो ग्रुप में मोटा मोटा, ब्रॉडली मतलब मोटा मोटा दो ग्रुप में तोड़ सकते हैं, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन लिविंग प्लांट बॉडी, ठीक है, फंक्शन के आधार पर, किसके आधार पर, फंक्शन के आधार पर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को दो ग्रुप में तोड़ सकते हैं। वन ग्रुप ऑफ PGRs आर इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज, एक वो जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रोथ देगा, सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें देख रहे हैं, सेल डिवाइड होना, सेल इनलार्जमेंट, सेल का बढ़ना, पैटर्न फॉर्मेशन, क्या पैटर्न रहेगा, ट्रॉपिक ग्रोथ, ठीक है ना, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, तो ये सब क्या रहेगा तुम्हारे पास, कि जितनी भी चीजें ग्रोथ से रिलेटेड हैं वो सब क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, किसके अंदर आ जाएंगे, इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, कौन सा ग्रुप है, ग्रोथ को प्रमोट करने वाली ग्रुप। ओके, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, इस ग्रुप को हम लोग एक नाम और देते हैं, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स, क्लियर है। एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल कौन है, अब यहां लिख लोगे, टू ग्रुप्स इस तरह से, PGR, शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीके बता रहा हूं मैं, ये पहला आ गया, अच्छा अभी चाहो तो मत लिखना क्योंकि इसमें आगे एक और बात आने वाला है, पहला ग्रुप में क्या आ गया मेरे पास, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स PGP, इसके अंदर एग्जाम्पल डाल लो अब, ठीक है ना, कौन कौन आ गया एग्जाम्पल, ऑक्सिन्स, गिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स, द PGR ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट responses to wounds and stresses of biotic and abiotic origin. कह रहा है PGR of the other group, plant growth regulator of the other group, जो दूसरा group है वो play करता है खास role, कब play करता है, टू wounds, plant को चोट लग जाए, अगर कट लग गया है plant, कहे टूट गया है plant, आधा टूट गया फिर उसे grow करना है, stress, बरसात नहीं हो रही है, पानी चाहिए उसे, तो उससे कैसे compensate करेगा, वो हार्मोन तब काम करेंगे, स्ट्रेस कैसा हो सकता है, लिविंग और एबायोटिक, नॉन लिविंग, एबायोटिक स्ट्रेस, ठंड बहुत ज्यादा पड़ गई है, गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, प्लांट को दिक्कत हो रही है, बायोटिक स्ट्रेस,
कुछ केमिकल्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, या कोई इसके अंदर फंगस या कीड़े वगैरह लग रहे हैं, उसकी वजह से कोई स्ट्रेस आ रहा है। बात समझ में आ रही है? ओके। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डॉर्मेंसी। दे आर, है ना, जो पीजीआर है हमारे पास वो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डॉर्मेंसी एंड एब्साइसन, ठीक है ना। डॉर्मेंसी मतलब समझ रहे हो ना, डॉर्मेंसी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो बीट होता है हमारा मरा हुआ लगता है, बट रियल में मरा हुआ नहीं है, उस फेज को डॉर्मेंट फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉर्मेंट फेज। जैसे कि हम लोगों में, इंसानों में क्या होता है, कोमा, इंसान मरा नहीं है, जिंदा है लेकिन हिलडुल नहीं सकता है, क्या बोलते हैं उसे, कोमा, कि वो कोमा में चला गया, ठीक है ना। वैसे ही सीड वाली स्टेज क्या आती है, डॉर्मेंसी, उसके लिए उसमें भी ये रोल प्ले करते हैं। एब्सेसन, एब्सेसन फाइनली हो गया क्या, पत्ते का झड़ के गिर जाना या मौत की तरफ बढ़ना। द पीजीआर एब्सेसिक एसिड बिलोंग टू दिस ग्रुप, ठीक है ना, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एब्सेसिक एसिड, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में एब्सेसिक एसिड होता है, बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, वो इस ग्रुप में आता है, ठीक है। दो ग्रुप हो गए, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। द गैसियस पीजीआर इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप, वो दोनों में से किसी भी ग्रुप में फिट हो सकता है, ठीक है, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी, बट ज्यादातर ये क्या है, ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो दो ग्रुप बन गए, एक ग्रोथ को प्रमोट करने वाले और एक ग्रोथ को रोकने वाले। क्लियर होगी बातें, लिख लोगे यहां से, क्लियर है, चलें आगे। ओके, आगे देखते क्या कह रहा है। द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, की प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर जिक्र हो रहा है, आओ देखते हैं क्या कह रहा है। इंटरेस्टिंगली, कोई चीज है ना, बड़े मजेदार चीज है, आओ आओ मजेदार चीजें बताएं। द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द फाइव मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर, जो पांच ग्रुप है बड़े बड़े हमने पीछे देखे पीजीआर के, हैव बीन एक्सीडेंटल, सारे के सारे कैसे, बाय चांस, एक्सीडेंटल मतलब बाय चांस खोजे गए। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, ठीक है ना, किनकी वजह से हुआ, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन, व्हेन दे ऑब्जर्व दैट, जब उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द कॉलिप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, जो टॉप पार्ट था कॉलिप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, एक ग्रास का नाम है कैनरी ग्रास, रिस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स द लाइट सोर्स। उसने का क्या देखा उन्होंने कि यूनिलैटरल लाइट एक तरफ से बंद कर दिया अंधेरा और एक तरफ लाइट को लेके आए, तो उन्होंने क्या देखा, ये जो कॉलिप्टाइल था, ठीक है ना, मतलब जो कैनरी ग्रास का टिप थी हमारे पास, वो क्या थी, किसकी तरफ बढ़ रही है, जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ बढ़ना शुरू कर दिया इसने। इनको ये बात बड़ी अजीब लगी ना, अजीब मतलब कुछ नया सा लगा, अरे यार ये कैसे हो रहा है कि लाइट की तरफ ही क्यों जा रहा है, अंधेरे की तरफ क्यों नहीं आ रहा, भाई रोशनी तो आ ही रही है लेकिन वो झुकाव ज्यादा किस तरफ है, लाइट की तरफ है। आओ आगे देखें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है इसको, जिसकी तरफ झुकाव होता है, फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी की तरफ होगा तो जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, लाइट की तरफ प्लांट का बढ़ना, फोटो, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब उसकी तरफ बढ़ना। आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, इट वॉज कॉन्क्लूडेड, ये कॉन्क्लूड किया गया, एक कॉन्क्लूजन निकाला गया, क्या, द टिप ऑफ कॉलिप्टाइल वॉज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कॉलिप्टाइल। क्या कह रहा है, इट वॉज कॉन्क्लूडेड दैट द टिप ऑफ कॉलिप्टाइल, द टिप ऑफ कॉलिप्टाइल, जो कॉलिप्टाइल की टिप थी, ठीक है ना, वॉज द साइट ऑफ, वो जगह थी किसकी, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, ठीक है, डेट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कॉलिप्टाइल, वो किसके लिए जगह थी, एक ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, एक ऐसा इन्फ्लुएंस जो ट्रांसमिट हो सके, क्या हो सके, ट्रांसमिट हो सके, ठीक है, डेट कॉज द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कॉलिप्टाइल, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा कॉलिप्टाइल बेंड हो गया। फिगर 15.10 क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट यूज टू डिमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कॉलिप्टाइल, जो टिप है कॉलिप्टाइल की, इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, एरो इंडिकेटेड द डायरेक्शन ऑफ लाइट, यहां से क्या आ रही है, लाइट आ रही है और यहां पर क्या बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है। अब क्या कह रहा है, ऑक्सीजन वॉज आइसोलेटेड बाय एफ डब्ल्यू वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ कॉलिप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ओट की जो बीज थे उसके उसमें से, सीडलिंग मतलब बीज जो अंकुरित होते हैं जो, ठीक है, उसमें से उन्होंने पहली बार क्या किया,
ऑक्सीजन को निकाला। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि जो टिप थी इसकी, एक तरफ से लाइट डाली गई, ये एक तरफ बेंड हो गया। एक्चुअली रियलिटी क्या होती है, लाइट के अपोजिट साइड ना, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा बनने लगता है, तो ये झुकाव में आ जाता है हल्का सा। किसमें आता है, ये झुकाव करने लगता है हल्का सा, क्योंकि इस तरफ ज्यादा वो हो जाता है, ऑक्सीजन ग्रोथ बन जाता है, इस तरफ क्या होता है हल्का सा ये झुक जाता है। क्लियर है, ये सब इन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। अब ये क्या है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, क्या है ये, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। क्लियर हुआ, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस मतलब क्या है कि यहां पर जो केमिकल बन रहा है वो क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, ठीक है। ये चीज कैसे पता चली, यहां पर ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, सिर्फ इतना बताया गया है कि टिप पर एक चीज मिली, केमिकल मिला, उसको बाद में वेंट ने क्या किया, आइसोलेट किया, ठीक है। वेंट ने क्या किया, आइसोलेट किया, उसका नाम क्या पड़ा, ऑक्सीजन पड़ा, ठीक है। अगर इसके डिटेल में थोड़ा जाओगे अगर तुम लोग, तो पाओगे कि दो तीन लोगों ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, कि देखो यहां पर दिखा भी रहा है, जब टिप है तो बेंड कर गया, बी टिप काट दी गई है बेंडिंग नहीं हो रही है, टिप काट दी गई है तो बेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर क्या किया गया, यहां पर टिप के ऊपर कैप्स लगाई गई है, यानी कि यहां पर एक चीज की गई है जो मैं बताने की कोशिश करता हूं यहां पर तुम लोगों को, कि टिप काट कर अगर यहां पर एक हम लोग ऐसी चीज रख दें, ठीक है ना, इसमें सिंपल समझते हैं अभी हम लोग, कि टिप को काट देने से इसके अंदर बेंडिंग नहीं हो रही है, और टिप जब नहीं कटी तो बेंडिंग हो रही है। प्लस एक चीज और यहां पर हमने क्या रखा, टिप काटने के बाद यहां पर हमने एक ओपेक चीज रख दी, ओपेक मतलब जहां से कोई चीज आर पार ना जा सके, ठीक है। और इसके ऊपर वापस से हमने क्या रखी, इसके बीच में एक ओपेक चीज घुसाई, तो हमने क्या देखा, तब भी बेंडिंग नहीं हो रही थी, और बीच में हमने जब एक ऐसी चीज रख दी जहां जिसके अंदर से चीजें आर पार जा सकती हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, अगेन उस केस में यहां पर जो केमिकल बन रहा था, ऑब्वियसली बात है जब वो ट्रांसफर होगा आगे की तरफ, तो ये फिर से क्या दिखाएगा, बेंडिंग। होता क्या है, रियलिटी क्या है, जब लाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जिस तरफ ऑक्सीजन शिफ्ट हो जाता है यहां पर बहुत सारी सेल ग्रोथ होने लगती है। ऑक्सीजन क्या है, प्लांट हार्मोन है, ग्रोथ को बढ़ा रहा है, तो इस तरफ बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, तो ये इस तरफ से ऐसे झुक जाता है। सीधी सी बात यह है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम यहां पे नहीं जानेंगे। तीन बातें यहां पे नोटिस करनी है हमको, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, चार्ल्स डार्विन है, उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। किस पे किया था, कैनरी ग्रास पे किया था, उसकी कॉलिप्टाइल पे किया था। शुरुआत में जो है ना, मतलब सीड से जो ऐसे पतला था वो निकलता है, एक मान लो ये सीड है इसमें से, ठीक है ना, पतली सी टिप जैसी निकलती है, और ये फिर यहां पर इसका डायकोट प्लांट जो रहता है, तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिप्टाइल कहते हैं। इसकी बेंडिंग लाइट की तरफ हो रही है, किसने देखा, चार्ल्स डार्विन ने और फ्रांसिस डार्विन ने, ठीक है। लास्टली ये कैसा है, ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस है इसका, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। यानी कि लाइट को घुमा के इधर कर दोगे तो ये ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, मूव कर सकता है ये, ओके। फिर इन्होंने को आइसोलेट किसने किया पहली बार, F.W. वेंट ने। तो ये कुछ दो चार बातें यहां से निकालनी है, डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, एक हमारा एक्सपेरिमेंट किसने किया और किसने उसको आइसोलेट किया। क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके आगे आते हैं। फिर क्या कह रहा है, द बकाने, क्या है ये बकाने, फूलिश सीडलिंग डिजीज। बकाने एक डिजीज है, ठीक है, ऑफ राइस, राइस के जो सीडलिंग्स होते हैं, पौधे जो बीज अंकुरित हो रहे होते हैं, उसकी एक डिजीज है फूलिश सीडलिंग या बकाने। Was caused by fungal pathogen Gibrella fugicoria. Fungal एक pathogen, एक fungus है जिसका नाम क्या है, Gibrella fugicoria, जो rice के seedlings में जो बीज अंकुरित हो रहे होते हैं, ठीक है, उनमें एक बीमारी पैदा करती है, ठीक है। E. Kurosawa 1926 में, यहां तक एक बात खत्म हो गई, एक बात बोली एनसीईआरटी ने कि राइस की सीडलिंग में एक फंगल के द्वारा जिसका नाम यह है एक डिजीज पैदा की जाती है, क्या करें इसका, देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है। ई कुरोसावा 1926 में रिपोर्टेड, इन्होंने रिपोर्ट किया द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस, ठीक है। द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड एज गिब्रेलिक एसिड, क्या उन्होंने रिपोर्ट किया, कह रहा है ई कुरोसावा ने रिपोर्ट किया, रिपोर्ट मतलब अपनी छानबीन कर ली, अब वो रिपोर्ट दे रहे हैं अपने, क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिजीज, जो डिजीज के सिम्टम्स हैं अपियर हो रहे हैं इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस। स्टेराइल मतलब क्या होता है, स्टेराइल
स्टराइल फिल्ट्रेट, याद है स्टराइल क्या होता है, जिसको क्या कर दिया जाए, स्टराइल फिल्ट्रेट क्या होता है, जिसको क्या कर दिया जाए, क्या होता है स्टराइल फिल्ट्रेट, स्टराइल मतलब जिस चीज को कीटाणु रहित कर दिया जाए, है ना, यानी कि हम लोग क्या करेंगे उसको किस तरीके से बैक्टीरिया वायरस फ्री कर देंगे। तो देखो सिंपल सा उसने क्या किया है ई कोरोसावा ने, कि जो फंगस था फंगस को कलेक्ट करके उसको पहले स्टराइल किया, मतलब ताकि उसके अंदर कोई और बैक्टीरिया वायरस ना हो, ठीक है, स्टराइल करके उसको क्या किया, एक तरह से हम अगर देसी भाषा में समझने के लिए बात करें तो उसको निचोड़ा। अब जाहिर सी बात है हाथ से तो निचोड़ेगा नहीं, प्रोसेस निचोड़ा, निचोड़ा, निचोड़ करके उससे जो अर्क निकला, जो निचोड़ निकला, उस निचोड़ को वापस से उसने कहाँ डाल दिया, राइस सीडलिंग पर, जो अच्छी राइस सीडलिंग थी, ठीक है, उसके ऊपर डाला, ठीक है, और फिर क्या देखा, वापस से वही प्रॉब्लम फूलिश सीडलिंग, वही प्रॉब्लम दिखाई देने लगी। अच्छा फूलिश सीडलिंग, ठीक है, और जब हमने खोजने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा कौन सा केमिकल है जो ये काम करवा रहा है फंगस का, तो केमिकल क्या निकला, किब्रेलिक, जिब्रेलिक, गिब्रेलिक, ठीक है ना, ठीक है, जिब्रेलिक पढ़ो या गिब्रेलिक पढ़ो, ठीक है, करेक्ट बोलते हो जिब्रेलिक है, जैसा याद कर पाओ, गिब्रेलिक एसिड, क्लियर है। तो इस तरीके से अब यहां पे देखो थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है, क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि फंगस के अंदर ही जिब्रेलिक है, तो हाँ फंगस के अंदर जिब्रेलिक था, वो क्या करता था, प्लांट को एकदम से लंबा कर देता था, क्या कर देता था, लंबा, जो सीडलिंग होती थी एकदम से लंबी हो जाती थी। अच्छा प्लांट अगर लंबा हो रहा है तो लंबा होने के लिए प्लांट खुद भी कुछ ना कुछ करता होगा, बाद में देखा गया कि प्लांट के खुद के अंदर भी जिब्रेलिक एसिड बन रहा है, बात समझ में आई, और इस तरीके से एक्सीडेंटल हमने खोजा कि ये बीमारी का कारण है। होता क्या था, जिब्रेलिक एसिड जो फंगस वाला था उससे प्लांट काफी टॉल हो जाता था और हल्का सा पेल येलो टाइप का हो जाता था, है ना, और ईल्ड लो हो जाती थी, क्योंकि इसमें फंगस भी है ना, तो फंगस की वजह से ईल्ड लो हो जाती थी, लेकिन इसका एक प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट क्या होता था, प्लांट टॉल हो जाता था, ठीक है। तो बाद में देखा कि अरे ये तो गिब्रेलिक एसिड तो प्लांट खुद भी बनाता है अपनी लंबाई को बढ़ाने के लिए, बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, फंगस ने फूलिश सीडलिंग क्रिएट की, क्यूरोसावा ने आके ढूंढा कि अच्छा इस फंगस के अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये फंगस ही कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने देखा कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। बाद में ढूंढा गया कि उसके अंदर क्या सब्सटेंस था, गिब्रेलिक एसिड। फिर बाद में और ढूंढा गया कि गिब्रेलिक अगर इसको लंबा कर सकता है तो प्लांट अपने आप को लंबा कैसे करता है, दोनों केमिकल सेम निकले, क्लियर है, आगे आते हैं। तो देखो सब वो है, थोड़ा थोड़ा डाटा है, थोड़ा थोड़ा क्या है, डाटा में याद रखना किसने क्या किया। एफ स्कूक एंड हिज कोवर्कर, स्कूक और उसके जो कोवर्कर थे, ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द तंबाकू स्टेम, इंटरनोडल पता ना इंटरनोडल क्या होता है, ये प्लांट, ये एक पत्ता, ये एक पत्ता, जहां से पत्ता निकलता है उसको क्या कहते हैं, नोड, इसको क्या कहते हैं, नोड, और बीच वाले को क्या कहते हैं, इंटर नोड, बात क्लियर हुई, ये बीच का इतना हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटर नोड। तो देखो साफ साफ बात बोल रहा है ये, स्कूक और उसके साथियों ने क्या ऑब्जर्व किया कि इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू, जो तंबाकू प्लांट का इंटरनोडल पार्ट था, ठीक है, स्टेम द कैलस, सेगमेंट ऑफ तंबाकू स्टेम द कैलस, द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोलाइफरेटेड ओनली, ठीक है ना, इंटरनोडल पार्ट में स्टेम में जो कैलस है हमारे पास, प्रोलाइफरेटेड मतलब फलना फूलना, प्रोलाइफरेटेड मतलब फलना फूलना, किसी का बढ़ना, बढ़ोतरी होना, ठीक है, ये तभी होता है, बढ़ेगा ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा द न्यूट्रिएंट मीडियम वॉज ऑल्सो सप्लीमेंटेड विद, उस न्यूट्रिएंट मीडियम को क्या दिया जाए, वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक, एक्सट्रैक्ट ऑफ वस्क्यूलर टिश्यू, जो वस्क्यूलर टिश्यूज हैं उसका एक्सट्रैक्ट, उसका निचोड़ वस्क्यूलर टिश्यू का, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट का निचोड़, अच्छा निचोड़ का मतलब ये नहीं ईस्ट को पकड़ा निचोड़ लिया, वो तरीके होते हैं, तो सिंपल हमें याद रखना है ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, तो दिमाग रखने का, अच्छा ईस्ट को पकड़ा निचोड़ लिया, याद रखने के लिए। कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क पता ही है क्या होता है, कोकोनट का पानी डालो, कोकोनट मिल्क डाल दो, और डीएनए, कोकोनट मिल्क और डीएनए, ठीक है ना। तो स्कूक और उसके वर्कर्स ने क्या देखा, फ्रॉम द इंटरनोडल, इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ तंबाकू स्टेम द कैलस, जो इंटरनोडल सेगमेंट था वहां पे जो कैलस था वो तभी बढ़ रहा था ऑक्सीजन के साथ साथ, इनमें से कोई चीज और मिला दी जाए। तो आगे क्या देखा, मिलर एट अल, मिलर और उसके साथियों ने, उसके वर्कर्स जो साथ में थे, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइजेस, उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है, इनके अंदर
एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू के अंदर, ईस्ट एक्सट्रैक्ट के अंदर, कोकोनट मिल्क के अंदर, डीएनए के अंदर, इनके अंदर ऐसा क्या है जो इसकी लंबाई बढ़वा रहा है। ठीक है, तो क्या पाया उन्होंने कि इसके अंदर साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना, एक कंपाउंड पाया गया जो कि प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन। क्लियर है, लेटर आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन, यानी कि साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब क्या है, सेल, और काइनेसिस मतलब एक तरह से कह लो कि उसका ब्रेक करना, है ना। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, सेल को तोड़ना या सेल को एक तरह से डिवाइड करना फटाफट। तो साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सब्सटेंस जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करवाता, साइटोकाइनेसिस याद है हमने कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में, कहां पढ़ा था, सेल वाले चैप्टर में, ठीक है, सॉरी सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस में पढ़ा था, ठीक है ना। तो साइटोकाइनेसिस क्या है, सेल को जो फाइनली क्या करता है, ब्रेक करता है ताकि जल्दी जल्दी सेल दो दो में टूटता चला जाए। तो साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म्ड काइनेटिन, यानी कि यहां पर ऐसा क्या चीज था कि जल्दी जल्दी सेल, अच्छा सेल डिवाइड तो हो गया है, फिर सेल को काइनेसिस होकर के अलग भी होना है, सेल को काइनेसिस होकर के अलग भी होना है ना, तो उसको प्रमोट कौन कर रहा है, काइनेटिन नाम का सब्सटेंस, क्योंकि काइनेसिस है, वहीं से वर्ड क्या बन गया, काइनेटिन, जो उसके अंदर एक केमिकल मिला उसका नाम क्या पड़ गया, काइनेटिन। क्लियर है, तो इंटरनोडल ग्रोथ को जितनी जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा उतनी जल्दी जल्दी क्या होगा, ये लंबा होता चला जाएगा। तो स्कूक और उसके वर्कर ने क्या ढूंढा, इंटरनोडल सेगमेंट, है ना, कि फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ तंबाकू स्टेम द कैलस प्रोलाइफरेट ओनली, जो यहां पर जो कैलस वाला पार्ट था वो तभी प्रोलाइफरेट कर रहा था जब उसके अंदर हम इसको और मिला रहे थे, और इसके अंदर हमको क्या मिला बाद में ढूंढने पे, काइनेटिन मिला। काइनेटिन क्या करता है, साइटोकाइनेसिस, ये साथ साथ में याद करते चलोगे, काइनेटिन क्या करवा रहा है, साइटोकाइनेसिस करवा रहा है। क्लियर है, आगे आए, थोड़े से एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखते चलेंगे। ड्यूरिंग मिड 1960s थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, अब क्या आगे धीरे कहानी आगे चल रही है, ठीक है, 1926 55 सबसे पहले कौन आया, जिब्रेलिक एसिड, देन काइनेटिन आ गया 55 में, 1960 की बात चल रही है अब। थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, तीन अलग अलग रिसर्चर्स थे, रिपोर्टेड दैट प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन, उन्होंने क्या किया, रिपोर्ट किया, क्या रिपोर्ट किया, ठीक है ना, वो प्यूरिफाई कर चुके थे और केमिकली कैरेक्टराइज कर चुके थे थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, यानी कि जो इनहिबिट करेंगे, रोकेंगे, क्या रोकेंगे, ऑब्वियसली बात है प्लांट की ग्रोथ को रोकेंगे, इनहिबिटर बी एब्साइसन टू एंड डॉर्मिन, तीन टाइप के केमिकल उन्होंने ढूंढे और रिपोर्ट किए कि देखो ये तीन है जो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। लेटर ऑल द थ्री वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, बाद में तीनों क्या देखा, ये तो तीनों केमिकली सेम है, तीनों केमिकली क्या है, सेम है। इट वॉज नेम्ड एब्साइसिक एसिड, और इनका नाम क्या पड़ा, एब्साइसिक एसिड। तो ध्यान रखना, इनहिबिटर बी एब्साइसिक एसिड है, एब्साइसन टू एब्साइसिक एसिड है, डॉर्मिन इज ऑल्सो एब्साइसिक एसिड, केमिकली केमिकली आइडेंटिकल है ये। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके। 1960 की बात खत्म हो गई, अब थोड़ा सा वापस पीछे चले गए 1910 में। H.H. Cousins 1910 में कन्फर्म द रिलीज ऑफ ए वोलेटाइल सब्सटेंस, एक वोलेटाइल, वोलेटाइल क्या होता है, जो उड़ जाता है, वोलेटाइल क्या होता है, जो उड़ जाता है। तो क्या कह रहा है, कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंज, राइपेंड पका हुआ संतरा, कहां से देखा उन्होंने, संतरे से, पके हुए संतरे से देखा कि एक कोई सब्सटेंस है जो निकल रहा है, वोलेटाइल है वो, That hasten the ripening of stored unripe bananas, जो hasten मतलब करवा रहा था, या है ना, क्या करवा रहा था, ripening, पकाने में help करवा रहा था, या उसको fast करवा रहा था, unripened banana, जो कच्चे banana थे, पके हुए oranges में से कुछ substance निकल रहा था और बगल में ही कच्चे केले रखे हुए थे, उनको पका रहा था वो। Later this volatile substance was identified as ethylene, बाद में उसको ढूंढा गया तो क्या मिला, हुआ इथाइलिन मिला, गैसियस पीजीआर, है ना भाई, संतरे में से निकलता था, यहां फैलेगा पूरे में, यहां से केले मिले, केले को पका दिया उसने, तो सीधी सी बात है, फ्रूट्स को पकाने में किसका हेल्प होता है, इथाइलिन गैस का होता है, याद रख लो अभी। लेट अस स्टडी सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द फाइव कैटेगरीज ऑफ पीजीआर इन द नेक्स्ट सेक्शन, अब कह रहा है इन पांच का जो हमने यहां पर ढूंढ लिए उनके इफेक्ट हम लोग यहां पर अब पढ़ते हैं। तो किस साइंटिस्ट ने क्या किया है, कहां से क्या ढूंढा गया है, ठीक है, एक एक खास खास चीजें, तो ये नाम किसने क्या ढूंढा, किसने आइसोलेट किया, ऊपर से सारा डाटा निकाल कर तुमको तैयार करना है।
क्लियर है बातें, चलें आगे चलें। ओके, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आखिरकार प्लांट के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है फिजियोलॉजिकली। ऑक्सिन, फ्रॉम ग्रीक ऑक्सिन टू ग्रो, ऑक्सिन का मतलब क्या होता है ग्रो करना, वहां से इसका नाम पड़ गया ऑक्सिन। वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, नोट करेंगे इसको, सबसे पहली बार कहां से आइसोलेट किया इसे, ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू ऑल, सॉरी ऑल नहीं, अप्लाइड टू इंडोल थ्री एसिटिक एसिड। ऑक्सिन किसके लिए एप्लीकेबल है, ये इंडोल थ्री एसिटिक एसिड के लिए, एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। इसके लिए तो है ही है, और कुछ और भी कंपाउंड्स हैं जो इसके पास ग्रोथ रेगुलेटिंग एक्टिविटी है, उसको भी हम लोग ऑक्सिन बोल देते हैं। खैर, खासकर किसके लिए ध्यान रखोगे, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड के लिए। क्लियर है, आगे आते हैं। दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग एपिसेस, ये मार्क करते चलोगे। तो देखो यहां से पहली चीज, ऑक्सिन किसको कहा गया, ठीक है ना, इंडोल थ्री एसिटिक एसिड को। इसका सोर्स ऐसे लिखते चलेंगे, सोर्स क्या है, ग्रोइंग एपिसेस। एपिसेस याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का वर्ड है, मुश्किल लग रहा है तो ग्रोइंग टिप कर लेंगे, ठीक है ना, ऑफ द स्टेम्स एंड रूट। ग्रोइंग एपिसेस या ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, तो देखा था ना पीछे कॉलिप्टाइल वाला, मतलब उसका कैनरी ग्रास वाला जो एक्सपेरिमेंट था, टिप पर ही तो था वो, कॉलिप्टाइल की टिप पर जाकर के, ठीक है ना, तो इसको मार्क कर लेंगे। क्लियर है बातें। From where they migrate to the region of their action. अब यहां बनते हैं, produce कहां होते हैं, और यहां से फिर ये migrate कर जाते हैं region of their action. कहां migrate कर जाते हैं, जहां पे उन्हें काम करना होता है, tip से थोड़ा पीछे भी आ जाते हैं या पूरे tip में फैलेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने एक word इस्तेमाल किया था, transmittable influence, ठीक है ना, क्योंकि ये migrate कर जाते हैं, move करते हैं। अब क्या कह रहा है, ऑक्सिन्स लाइक IAA एंड इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है, NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड एंड 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड आर सिंथेटिक ऑक्सिन। और क्या है, सिंथेटिक ऑक्सिन। तो यानी कि साफ साफ कह रहा है, तो फर्स्ट आइसोलेट किया गया ह्यूमन यूरिन से, बाद में आइसोलेट किया गया ये किससे, प्लांट से, कौन कौन, IAA और IBA, देन NAA और 2,4-D सिंथेटिक आर्टिफिशियल बनाए गए ये। ऑल दीज ऑक्सिन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली, बहुत ज्यादा इन एग्रीकल्चर। ये सारे के सारे ऑक्सिन बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में एंड हॉर्टिकल्चर प्रोसेसेस। क्लियर है बातें, ये चलें आगे, आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग फंक्शन। क्या हो गया, ऑक्सिन IAA या सारे नाम जो है ना इनके, ये सारे नाम IAA, IBA, ठीक है, NAA, ये सारे नाम लिख लोगे यहां पर, सोर्स हो गया। अब लिखोगे क्या इसके, फंक्शन। इसमें यही याद करना है, देखो बच्चों, जैसे कि हमारे पास वाला चैप्टर था ना मिनरल और न्यूट्रिशन वाला, उसमें क्या था, फंक्शन क्या कॉज है, कौन सी बीमारी नहीं होगा तो क्या बीमारी हो जाएगी, वैसे ही इसमें क्या है हमारे पास कि क्या ऑक्सिन है, क्या क्या नाम है इसका, सोर्स और फंक्शन। तो फंक्शन देख ले, हेल्प करता है टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। जो स्टेम कटिंग्स होते हैं ना, स्टेम काट काट के लगाते हैं हम लोग, जैसे गुलाब की कलम काट के लगा दी, तो उसमें एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। जब प्लांट है ना, कलम स्टिक काटी लगा दी, काटी लगा दी, उनमें रूटिंग करवानी, तो हम इसका छिड़काव करते हैं। ओके, ऑक्सिन्स प्रमोट फ्लावरिंग। दूसरा, पहला क्या हो गया, रूटिंग, रूटिंग किसमें, कटे हुए स्टेम में। दूसरा क्या हो गया, फ्लावरिंग। इसी तरीके से बच्चा लोग, जो लोग मेन मेन बातें हैं ना, वो इसको मार्क करते हुए चलोगे। एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल्स, फ्लावरिंग का एग्जाम्पल किसमें आ गया, पाइनएप्पल्स में आ गया। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, अगला फंक्शन आ गया, है ना, ऐसा ना हो कि फल और फ्रूट पके ही नहीं है, कच्चे हों और पहले गिर जाए, उसको रोकता है ये। बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। बट एक बार ही पक गए तो उनको फिर जल्दी गिरा देगा, या लीफ जो मैच्योर होगी तो उसको जल्दी गिरा देगा। क्लियर है, चलें आगे। ओके, इन मोस्ट हायर प्लांट्स, ज्यादातर जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, ठीक है, तो द ग्रोइंग एपिकल बर्ड्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लैटरल एक्सिलरी बर्ड। होता क्या है, कहानी है ये, जो कॉन्सेप्ट है, देखा ना गार्डन वगैरह होते हैं, उसमें झाड़ ऐसे फैला हुआ रहता है और
जो माली होता है ऊपर से कटिंग करता रहता है ताकि झाड़ ऐसे फैले। तो अगर यहाँ पे वही बात बता रहा है, ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिटर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लैटरल, जो अगर ऊपर की टिप का बर्ड बढ़ता रहेगा तो साइड वाले पार्ट को बढ़ने नहीं देगा। तो माली क्या करता है, ऊपर से काटता रहता है, वो बर्ड कट जाते हैं ऊपर वाले, तो साइड में ग्रोथ होती रहती है, तो फैल जाता है वो, है ना, बड़ी बड़ी क्यारियां से उसमें गार्डन में झाड़ वाले पेड़ से लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहिबिट, जो टिप वाले बर्ड होते हैं पेड़ के ऊपर वाले, यहां पर वो इनहिबिट करते हैं, रोक देते हैं ग्रोथ ऑफ द लैटरल, किसका लैटरल जो साइड में है। अ फिनोमेना कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। जब एपिकल बर्ड साइड में होने वाले ग्रोथ के क्या कर दे, रोक दे, ठीक है ना। तो जो एक्सिलरी बर्ड्स है यानी लैटरल बर्ड्स है उनकी ग्रोथ को रोक दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस। ओके, रिमूवल ऑफ शूट टिप, डीकैपिटेशन, अगर हम इसको काट दें, यहां से काट दें, क्या कहते हैं इसको, डीकैपिटेशन, यूजली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। अब क्या होगा, लैटरल बर्ड आराम से फैलेगा और फैलता चला जाएगा, बढ़ते जाएंगे मतलब। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशन, जो टी के पेड़ होते हैं ना, ऊंचा नहीं करना होता हमें, उन्हें फैलाना होता है, तो ऊपर से कटिंग करते रहते हैं उसकी। हैज मेकिंग, है ना, तो हैज मेकिंग ना, जो फैलाव होता है, जो हैज मतलब हमें जो गार्डन वगैरह में क्या चाहिए होता है, फैलाव चाहिए होता है उसको करने के लिए। कैन यू एक्सप्लेन वाई, तो ऑब्वियसली बात है, टी मेकिंग में क्या होता है, हमें ऊंचा प्लांट नहीं चाहिए, पत्ते चाहिए होते हैं, हम उसे पत्ते फैला लेंगे नीचे। अब ऊंचा प्लांट हो जाएगा तो उसके पत्ते तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है, चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। तो अब क्या लिखा हुआ है, ऑक्सिन्स आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, क्या होती है बच्चों पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी किसी को आइडिया, पार्थेनोकार्पी जब भी जायगोट बनता है, क्या बनेगा, जायगोट, यानी कि जब भी हमारा क्या बनना होगा, फ्रूट बनना होगा। फ्रूट बनने के लिए जाहिर सी बात है दो चीजों का क्या होगा, मिलना जरूरी है। अगर समझने वाली भाषा में बात करें तो स्पर्म एंड ओवम, ठीक है ना। प्लांट की भाषा में स्पर्म को कहां से कंपेयर किया जाता है, पॉलन ग्रेन से, ठीक है, उसके पास होता है, ओवम हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब जब ये दोनों गैमेट्स, स्पर्म और ओवम मैंने क्यों कहा, ताकि बात समझ में आए, एक मेल और एक फीमेल, जब इनका आपस में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब क्या बनता है, फ्रूट बनता है उसके बाद। अब अगर बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवम का मिक्सचर या मिलना हो ही ना और फ्रूट बन जाए, बच्चे सोचोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो यस ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इसको समझेंगे कभी डिटेल में जब भी टॉपिक आएगा, फिलहाल इतना समझना है यहां पे, जब फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, लिख लेना इसको, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बन जाएगा, यानी कि जो फीमेल फ्लावर है वो बिना मेल की हेल्प से ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है इन टमेटोज, यहाँ पे एग्जाम्पल किसका लिया है, टमेटोज, ये पार्थेनोकार्पी क्लास 12 में फिर रिपीट होगा, पार्थेनोकार्पी क्लास 12 में फिर रिपीट होगा, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का एक और फंक्शन आ गया यहाँ पर, ओके। दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स कौन होते हैं, हर्ब जिनके पास टहनियां नहीं होती, घास वास टाइप की चीजें, और साइड मतलब किल करना, साइड जब भी बैक्टीरिया साइड, वायरोसाइड, फंगीसाइड, ये साइड वर्ड जब भी आएगा लिख लो इसकी हिंदी, किल करना, और आगे जो वर्ड लगा होता है उसको किल करने वाली चीज को साथ में साइड जोड़ दिया जाता है, तो हर्बिसाइड, हर्ब को किल करना। हमारा गार्डन है, हमारा खेत है, उसमें अनवांटेड प्लांट्स आ गए, वीड भी बोलते हैं उसको, बात में समझेंगे उसे, फिलहाल तो हर्बिसाइड जो हर्ब्स होते हैं, घास टाइप की चीजें होती हैं, उनको किल करने के लिए भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडनस वीड, अब देखो डाइकोटिलेडनस वीड यानी कि ऐसे वीड जो डाइकॉट होते हैं, वीड भी क्या है, अनवांटेड, ये हो गया हर्बिसाइड, यानी कि क्या हो गया एक तरह से, जस्ट लाइक ऐसी घासें जैसे धनिया टाइप की चीज है ना, घास जो होती है टहनियां होती नहीं है, डाइकोटिलेडनस वीड। डाइकॉट प्लांट जनरली क्या रहेंगे, थोड़े से श्रब की कैटेगरी में आ जाते हैं, किसी कैटेगरी में आते हैं, श्रब वाली कैटेगरी में आते हैं। तो डाइकोटिलेडनस वीड, वीड क्या होते हैं, फिर से लिख लो यहां पर, अनवांटेड प्लांट्स,
अब ये क्या चीज होती है, अनवांटेड प्लांट, जिसको हम लोग चाहते नहीं है। टमाटर की खेती में हम कोई दूसरा पौधा नहीं उगना देना चाहते, क्यों, अगर वो पौधा उगेगा तो जो हम न्यूट्रिएंट्स उस खेत में डाल रहे हैं वो पौधा उसको क्या करेगा, लेगा, यानी कि टमाटर के साथ फाइट करने लगेगा, तो टमाटर बेचारे के पास न्यूट्रिएंट्स कम पहुंचेगा, तो उसको हम वीड बोलते हैं, तो वो भी हम नहीं चाहते अपने खेत में। ठीक है, ओके, तो हर्बिसाइड को किल करने के लिए, ठीक है, ऑक्सिन में इसका आ गया, ठीक है, ऑक्सिन हर्बिसाइड किल करने के लिए, और ऑक्सिन में कौन सी वैरायटी है, 24D, ठीक है ना, जो 24D है वो है डाइकोटिलेडनस वीड के लिए, मार्क करेंगे इस बात को, ठीक है, ओके, साथ में और डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट। अब है क्या, मेरे पास खेती किसकी है, मोनोकॉट की खेती है, ठीक है, जस्ट लाइक मोनोकॉट मतलब गेहूं की खेती होगी, है ना, चावल की खेती होगी, मोनोकॉट सीड जिसके अंदर इस मोनोकॉट, पता ना मोनोकॉट डाइकॉट, अरे याद है, भूल गए, ठीक है, डाइकॉट मतलब जिसके दो बीज के दो टुकड़े हो सकते हैं, जैसे कि मूंगफली का दाना, चना, ठीक है ना, और मोनोकॉट मतलब गेहूं, देखा ही होगा एक ही पूरा बीज एक ही जैसा रहता है, पहचानने का तरीका, ठीक है, ओके, तो मेरे पास खेती कौन सी है, मोनोकॉट प्लांट्स की है, और उसके अंदर वीड कौन सा आ गया है, डाइकॉट आ गया है, तो ऑब्वियसली बात है इनकी स्ट्रक्चर में कुछ ना कुछ बनावट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से ये खास करके इसी प्लांट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। आगे आते हैं, इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, लॉन्स होते हैं ना घर के जो बड़े बड़े बंगलो टाइप के होते हैं उसमें लॉन्स, घास उगाई जाती है, घास भी क्या मोनोकॉटिक कैटेगरी में आती है, तो उसके अंदर से हमें क्या करना है, अनवांटेड वीड फ्री, कोई भी वीड हमें वहां पर नहीं चाहिए, बाय गार्डनर्स, गार्डनर्स माली। ऑक्सिन ऑल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। अब देखो जाइलम डिफरेंशिएशन, ये जाइलम के डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब जाइलम सेल डिवाइड करेंगे और उसके सेल आगे जाकर के अपने नए काम पकड़ेंगे, ठीक है, जाइलम डिफरेंशिएशन याद आ रहा है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था जाइलम क्या कहते हैं, जाइलम क्या होता है, एक टाइम का उसमें कैम्बियम वगैरह डेवलप होता है, फिर सेल्स बनने स्टार्ट होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है ना, एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। तो जाइलम का डिफरेंशिएशन ये वर्ड मार्क करेंगे तो इसका फंक्शन वन या फंक्शन जो पीछे आ गया था फंक्शन मार्क कर लेंगे 1, 2, 3 करके, ऑक्सीजन का फंक्शन, ठीक है, ये जाइलम डिफरेंशिएशन आ गया, हेल्प इन सेल डिवीजन, तो मार्क कर लेंगे ऑक्सीजन के फंक्शंस क्या क्या है अलग से साइड में जो यहां पर जगह है, ठीक है, एफ लिख करके सारे वर्डिंग को साथ साथ लिखते हुए चलोगे, क्लियर है, आगे आते हैं, ओके आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, जिब्रेलिंस, अब बात आते हैं जिब्रेलिंस की या गिब्रेलिंस की, जिब्रेलिंस आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ये भी कैसा है, प्रमोटरी है, प्रमोट करेगा, ग्रोथ को बढ़ाएगा, देयर आर मोर देन 100 गिब्रेलिंस रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट, सभी को मिला लिया जाए फंगस के अंदर से, देखा था हमने किस तरीके से जो फंगस से उससे निकाला था, और हायर प्लांट्स उसके अंदर जितने अब तक टोटल गिब्रेलिंस निकले हैं उनकी संख्या लगभग 100 से भी ज्यादा है, दे आर डोनेटेड एज, उनको हमने मार्क कर दिया GA1 GA2 GA3 एंड सो ऑन, ऐसे मार्किंग देते चलेगा क्योंकि बहुत सारे मिल रहे थे, ठीक है, हाउएवर जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिक एसिड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिंस टू बी डिस्कवर्ड, तो ये मार्क करेंगे जिब्रेलिंस में जो 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिंस है उसमें सबसे पहले किसको खोजा गया, जिब्रेलिक एसिड को खोजा गया, एंड रिमेन्स द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, और तब से लेके आप, तो सबसे पहले खोजा गया तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा इसको स्टडी भी किया गया, ठीक है, एंड रिमेन्स रहा मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म, स्टडी करने की सबसे ज्यादा कहते ना जिसको सबसे ज्यादा स्टडी की गई वो भी यही था, All gibberellins are acidic. Mark करेंगे इसको, सारे के सारे gibberellic acid से mark कर लेंगे, सारे के सारे gibberellins कैसे हैं? Acidic हैं. Okay. They produce a wide range of physiological responses in plant. Plant के अंदर कई तरह के physiological, physiology समझते हो ना? उसका मोटा, उसकी लंबाई, है ना, उसके पत्तों की चौड़ाई, तमाम बातें आती हैं, सब जो उसका appearance में आ रहा है, उसकी जो activity है, ठीक है, जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इंसान की फिजियोलॉजी की बात करें तो सांस लेना, खाना खाना, तो इसका जो फोटोसिंथेसिस है, खाना बनाना, ठीक है, प्लस हमारी हाइट, हेल्थ, पेट का डाइजेशन, लीवर फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी वो सारे फंक्शन जिससे कि हम लोग जिंदा रहते हैं, तो वही प्लांट की फिजियोलॉजी की बात हो रही है, कह रहा है वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि प्लांट के जिंदा रहने के लिए जितनी फिजिकल एक्टिव फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है उनमें बड़ा रोल प्ले करता है ये, ठीक है,
अब रोल प्ले करता है, अच्छी बात है, आगे आते हैं। देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, ये देखो ये मार्क कर लेंगे इसे, ठीक है। उसकी एबिलिटी है, क्या करता है, कॉज, जो कारण बनता है किसका, इसकी एबिलिटी है। देखो इंग्लिश लिखने का तरीके होते हैं अपने अपने ना, उसको समझना थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है, तो बस उसी लिए मैंने ठानी है कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसको समझना है, फिर तो बच्चों के हाथ की बात है उसे याद करना, वो तुम्हारे ऊपर रह गया। बात समझ में आ रही है, लाइन टू लाइन अगर एनसीईआरटी समझ में आ जाए, मेरे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ते हैं उनके पास यही प्रॉब्लम है, सर एनसीईआरटी समझ में नहीं आती है, तो आओ समझते हैं और अच्छे से। देयर एबिलिटी टू कॉज, कॉज मतलब कारण जो क्रिएट कर रहा है, एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस, है ना, जो प्लांट की लेंथ है ये बढ़ा रही है प्लांट की लेंथ, ठीक है। इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक, ग्रेप्स के जो स्टॉक होते हैं, ठीक है ना, ग्रेप के जो स्टॉक है जिस पर ग्रेप लटक रहा है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जिब्रिलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल, जिब्रिलिन कॉज, कॉज मतलब कारण बनता है फ्रूट लाइक एप्पल के लिए, एप्पल टाइप के फ्रूट के लिए, टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप, यानी कि एक एग्जाम्पल नोट करेंगे, क्या बोल दिया, जिब्रिलिन कॉज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट शेप, एप्पल जो वाले जैसे फ्रूट फ्रूट है उनको क्या करता है, इलोंगेट कर रहा है, लंबा कर रहा है, इलोंगेट मतलब लंबा कर रहा है और उसके शेप को इम्प्रूव करता है, ठीक है, शेप मतलब अच्छा खासा गोल बनकर निकलेगा। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, दे ऑल्सो डिले, डिले मतलब ये सब फंक्शन है, ऐसे मार्क करते चलना, देखो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, अपना जिब्रिलिन है ना, फंक्शन वन टू, क्या फंक्शन आ गया पहले, ठीक है, किस पे इनका अफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल, अब फिजियोलॉजिकल में बहुत सारे हैं, फिजियोलॉजिकल में बहुत सारे हैं, खैर इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देयर कॉस्ट इंक्रीज लेंथ ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ एक्सिस ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं ये, इलोंगेट एप्पल, एप्पल या फिर एप्पल लिखकर ऐसे ना लिख करके, देखो नोट्स बनाने के तरीके होते हैं, एप्पल लिख करके क्या लिखोगे, उसको इलोंगेट कर रहे हैं और साथ में शेप उसका इंप्रूव कर रहे हैं, याद होता चलेगा साथ के। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले कर रहे हैं, ये शॉर्ट नोट हो गए तुम्हारे, और ये कायदे में मैं बताऊं, अगर किसी टीचर के शॉर्ट नोट्स पढ़ो उससे बेटर के अपने खुद के बनाओ, सबसे अच्छा होता है, याद करने में आसानी होती है। डज द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस मतलब फ्रूट की, मतलब फ्रूट जो है जल्दी से मरेगा नहीं, जब फ्रूट पक जाता है उसके मरने, मतलब उसका जो मरने वाली कहानी आती है, तो वहां से क्या टूट के नीचे गिरता है, पक गया है वो सब जाना है, तो अगर ये सेनेसेंस को डिले कर दे, बुढ़ापे को डिले कर दे, फूल को फ्रूट को पकने थोड़ा डिले करे, तो फ्रूट क्या है, कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, पेड़ के ऊपर लंबे समय तक रह सकता है। मान लो आम का सीजन है या किसी भी फ्रूट का सीजन, मान लो लेट एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, वो जून जुलाई में, मान लो जून जुलाई में जाते जाते खत्म हो जाता सीजन वो, लेकिन हमने जिब्रिलिन का इस्तेमाल किया, अब वो फ्रूट लंबे समय तक अगस्त सितंबर अक्टूबर तक फ्रूट लगाए हुआ है, ठीक है ना, पक नहीं रहा है या उसका सेनेसेंस डिले हो गया, टूटेगा नहीं वो, तो दो तीन महीने हम एक्स्ट्रा खींच करके क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, सीजन खत्म हो चुका है, अब जो चीज आएगी वो महंगी बिकेगी, ठीक है, तो ये सब तरीके होते हैं। फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर लंबे समय तक छोड़ जा सकते हैं, सो डेट कैन बी, उसका जो मार्केट पीरियड है जैसे मैंने बताया, मार्केट में लंबे समय तक वो अवेलेबल रहते हैं। J3 इज यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, ठीक है, अब माल्टिंग प्रोसेस क्या होता है, माल्ट पता है ना क्या होता है, माल्ट होता है एक तरह से, हम लोग जो बार्ले वगैरह वहां पे जो जौ का इस्तेमाल करते हैं ना, उनमें अंदर से जो जो अंकुरित होते हैं, जो उसके अंदर से अंकुरित हो रहे हैं सीड, तो वही माल्टिंग आता है। जब सीड अंकुरित होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, माल्टिंग को समझ लेते हैं थोड़ा सा, जब सीड अंकुरित होता है, हो जाता है, मान लो ये बीज था उसके अंदर से हल्का सा अंकुर निकल आया, एक खास स्टेज में जाके इसको रोकना होता है हमें, फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए ना एकदम निकाल करके, जैसे अंकुरित हुआ इसको हीट कर देते हैं, हीट करके इसका फर्दर जो होती है ग्रोथ रुक जाती है और इसके अंदर एक केमिकल बनता है, डेट इज माल्ट, जिसका हम लोग आगे इस्तेमाल करते हैं। खैर वहां पे हमें नहीं जाना है, तो फिलहाल सिंपल ही चीज समझो हमें, माल्टिंग में अभी तुम यहीं पे रहो, कि जो अंकुरित हो रहे हैं ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, चने को रखा आज, कल तक थोड़ा होता है, फिर अगले दिन तक थोड़ा और बढ़ पाता है, अब सोचो हम शाम को रखें, सवेरे ही परसों वाली बढ़ोतरी हो जाए इसके अंदर,
है ना, डे वन चने को जो तुम रखते हो तो हल्का सा इतना निकला हुआ रहता है, और अगले दिन अगर रख दो तो हल्का सा इतना हो जाता है। अब सोचो डे वन और डे टू। अब ये डे टू वाला हमें चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल करके पहली दिन में पहली रात में इतना बड़ा अंकुरित बीज हम लोग प्राप्त कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ब्रूइंग इंडस्ट्री, ब्रूइंग मतलब दारू बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं वहां पर माल्टिंग एक प्रोसेस होती है। ठीक है, माल्टिंग कुछ और नहीं है, बीज को अंकुरित करना होता है तो उसको स्पीड अप करने के लिए। तो ये सारे फंक्शन याद रखेंगे, क्लियर है? आगे आते हैं, देखें इसका और क्या काम है। अब कह रहा है सुगर कैन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। भाई सुगर कैन में अंदर क्या होती है? रस होता है। ठीक है, रस से क्या बनता है? गुड़ बनती है, चीनी बनती है। तो चीनी और सब कुछ है किसका रूप? मीठा जो है सब कुछ किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का। सुगर के अंदर भर भर के कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, किस रूप में होती है? सुगर इन देयर स्टेम। गन्ना सबने देखा ही होगा, है ना, गन्ना सबने देखा ही होगा, इस तरह से ये नोड होती है, फिर ये एक और छील छील के सब लोग खाते रहते हैं। ओके, स्प्रेइंग सुगर केन क्रॉप विद जिब्रेलिन। सुगर केन क्रॉप को स्प्रे करना है, छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जिब्रेलिन। इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम। अब लेंथ इतनी थी, अब यही लेंथ इतनी होगी। देखो लेंथ बढ़ गई तो उसके अंदर जूस बढ़ेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन पर एकर, है ना, या एकड़ बोलो इसे। लगभग जो लेंथ बढ़ जाती है उससे 20 टन तक की पैदावार एक एकड़ में बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। क्लियर है? ओके, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद जीए। कॉनिफर्स क्या होते हैं? ठीक है, कॉनिफर्स है ना, कॉनिफर्स जंगल जो ऐसे कोन टाइप के ट्री रहते हैं, देखा ना, कॉनिफर्स कोन टाइप बना रहता है। ठीक है, कॉनिफर्स जिनको समझ में ना है वो लोग देख सकते हैं इसको, कॉनिफर्स उनको बोल दिया जाता है इस टाइप से, ये जब शेप इस तरह से आता है ट्री में तो उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉनिफर्स बोल देते हैं। तो या फिर समझ लो एक तरह कॉनिफर्स के जंगल्स भी होते हैं, फॉरेस्ट भी होते हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट। ओके, आगे आते हैं। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर विद जीएस हैसन। हैसन मतलब किसी चीज को वही स्पीड अप कर देना, किसी चीज को जल्दी कर देना। द मैच्योरिटी पीरियड इनका क्या आ जाता है? मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाता है। दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, और इस प्रकार उनका जो सीड का प्रोडक्शन है वो अर्ली जल्दी हो जाता है, लीड करता है, या इस प्रकार लीड यानी कि सीड प्रोडक्शन जल्दी आ जाता है। क्लियर है? गिब्रेलिन आल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है? जो इंटरनोड, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। देखो जब फ्लावर होना होता है, मान लो पौधा ऐसा है और यहां पर क्या है, ये सब क्या है, जहां पत्ते हो गए हुए हैं, अब है क्या, फ्लावरिंग होनी है, फ्लावरिंग के बाद क्या होगा, फ्रूटिंग होनी है, तो थोड़ा सा इसको उससे पहले क्या होना था, लंबा होना था ये। ठीक है ना, ये देख रहे हो ये नोड ना बढ़ गए हैं। ठीक है, थोड़ा खिचड़ी हो गई है, मैं तो साफ करता हूं। ठीक है, तो हम समझते हैं पहले नोड मेरे ये रहे, ये मेरा प्लांट है, यहां पे पत्ते उगे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे ही फ्लावर आने का टाइम होगा ये बढ़ जाएगा, एक दो तीन, ठीक है ना। अब यहां पर ये नोड का इलांगेशन हुआ फ्लावर होने से पहले, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बोल्टिंग। यानी कि ऑब्वियसली बात है, बोल्टिंग जितनी जल्दी हो जाएगी फ्लावरिंग उतनी जल्दी आ जाएगा, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। जितना जल्दी बोल्टिंग हो जाएगी यानी कि उसको क्या होना है, अपने आप को लंबा करना है फ्लावरिंग होने से पहले। ठीक है ना, इंटरनोडल इलांगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। एग्जाम्पल है इन बीट कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट। रोजेट मतलब जिसका फूल टाइप है ना, जैसे कि पत्ता गोभी देखा ना इस तरह से देखें तो ऐसे फूल टाइप का रोजेट, पत्ते एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं, उसको रोजेट हैबिटेट कहते हैं। तो ये बोल्टिंग भी करवाता है, यानी कि मान लो बोल्टिंग होनी है एक महीने या दो महीने बाद, इसको छिड़क देंगे, ये एक ही महीने बोल्टिंग करवा देगा। अब इसके छिड़कने की वजह से बोल्टिंग हो गई, अब तुरंत क्या हो जाएगी, फ्लावरिंग हो जाएगी। फ्लावरिंग होगी तो उससे क्या होगा, जल्दी से हमारी फसल पकेगी और जो भी चीज है, जिस चीज की फसल होगी वो हमको जल्दी मिल जाएगी। बात समझ में आ गई है? क्लियर है? तो गिब्रेलिन की सारी क्या लोगे फंक्शंस, सुगर केन में एक एग्जांपल दे दिया इन लोगों ने, दूसरा इन्होंने कॉनिफर का लेके दे दिया है। ठीक है, फिर इन्होंने एक बोल्टिंग वाला टर्म इस्तेमाल किया है, सुगर केन क्या, गिब्रेलिन और क्या करवा रहा है, बोल्टिंग करवा रहा है। क्या करवा रहा है? बोल्टिंग। छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल इसको समझ सकते हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ समझना। हाँ, अभी भी अगर किसी को लगता है कि शब्दों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को दिखा पाना पॉसिबल नहीं है बीच बीच में, तो अगर लगता है कि नहीं बोल्टिंग हमें देखनी है तो जा सकते हो गूगल पे, जा सकते हो, है ना, गूगल बाबा अपने जिंदाबाद है,
पॉज करेंगे वीडियो को और बोल्टिंग लिख के बोल्टिंग कंपैरिजन लिख देंगे, तो दो फसल को दिखा देगा स्प्रे से पहले स्प्रे के बाद, ठीक है, कि कितना इफेक्ट आ गया, कितनी जल्दी आ गया। तो ये सब चीजें लाइव देखने के लिए देखो सबसे बेस्ट इंटरनेट है ही, अगर आप मुझको देख रहे हो तो मुझे भी इंटरनेट से देख रहे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में चीजों को पॉज करके बोल्टिंग जैसे मैंने समझा दिया है, यहाँ पे किसी को लाइव देखना नहीं यार अभी और अच्छे से समझना है तो उसको जाकर के लाइव देख सकता है। आगे आते हैं नया हमारे पास एक और मतलब नेक्स्ट, दैट इज साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन क्या है, साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, है ना, सेल डिवीजन हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, इसके बाद क्या होना होता है याद है, इसे फरो होता है और फाइनली ये सेल दो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि फाइनली क्या होता है साइटोप्लाज्म को जब डिवाइड होना होता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है, लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस होती है माइटोसिस में, याद है कि नहीं याद है, गुड, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस में क्या है सेल, ये मैंने क्यों इस तरह दिखा दिया, जिसको याद होगा रिवाइज होगा ना खटाक समझ जाएगा अभी, वरना दिक्कत आने वाली है। सेल में न्यूक्लियस माइटोसिस में डिवाइड हो जाते हैं, फाइनली क्या होता है जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड होने वाली कहानी आती है तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है साइटोकाइनेसिस। तो कह रहा है साइटोकाइनेसिस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। कैसे डिस्कवर की गई है, काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये एडेनिन की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। एडेनिन क्या होता है, एक प्यूरिन होता है। अब एडेनिन प्यूरिन हम लोगों ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था क्या होते हैं, ओके, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हैरिंग स्पर्म डीएनए। अब बच्चा समझ नहीं पाता ये क्या है, क्या लिख दिया ये, हैरिंग क्या है भैया, हैरिंग एक फिश होती है, हैरिंग क्या है, हैरिंग एक फिश का नाम है। अब ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में क्या होता है, ऑटोक्लेव एक प्रोसेस है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक चैम्बर होता है स्टील का बना हुआ है, उसके अंदर हम स्टीम 120 डिग्री 100 डिग्री तक स्टीम लेके जाते हैं, वो स्टीम उसके अंदर जो भी चीज़ रखी होती है ना उसके वजह वो स्टीम पास होती है तो उसके ऊपर से जितना भी बैक्टीरिया वायरस कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी उसके वो सब क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, और वो चीज़ कैसी हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, मतलब उस चीज़ के अंदर सिर्फ वही रहेगी, कोई और कीटाणु नहीं रहेगा, क्लियर है। तो यहाँ हुआ क्या, कहानी समझो क्या हुई, डिस्कवर कहाँ से किया गया, ठीक है, हैरिंग फिश का जो स्पर्म का डीएनए था उसको ऑटोक्लेव किया गया, है ना, जिससे कि उसके अंदर कोई और कीटाणु ना रहे, और उसके अंदर से क्या निकाला गया, काइनेटिन को निकाला गया, क्लियर है, ओके। अब क्या कह रहा है, काइनेटिन डज नॉट ऑकर नेचुरली इन प्लांट, काइनेटिन जो केमिकल है, अब बच्चा कुछ कंफ्यूज हो जाता है, काइनेटिन प्लांट को होता नहीं है, फिर हम प्लांट हार्मोन के अंदर भी पढ़ रहे हैं, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है जो हमको साइटोकाइनेटिन को प्रमोट केमिकल करवाता है, जरूरी थोड़ी ना है कि प्लांट जो केमिकल बनाता है उसी से मिलते जुलता दूसरा केमिकल मिला हमें बाहर, बात समझ में आ रही है। तो ये भी प्लांट के अंदर क्या करवा रहा है, साइटोकाइनेसिस करवाता है, लेकिन बाद में देखा गया कि प्लांट के पास खुद का जो नेचुरल साइटोकाइनेसिस को प्रमोट कराने वाला केमिकल होता है वो काइनेटिन नहीं है, बात समझ में आई, काइनेटिन हमें मिला कहीं से, हमने ऐसे निकाला उसको प्लांट में डाला, साइटोकाइनेसिस हमने देखी, लेकिन जब प्लांट के अंदर हमने देखा कि प्लांट के अंदर भी तो कोई चीज ऐसी होगी जो साइटोकाइनेसिस करवाती होगी, क्या वो काइनेटिन ही है, तो क्या मिला, दिस इज नॉट ऑकर नेचुरली, मार्क कर लेना इस चीज को, सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज लेड टू द आइसोलेशन ऑफ जिएटिन। हम नेचुरल सब्सटेंस की सर्च करने लगे जिसकी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी हो, ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, जिएटिन मिला, कहां से, फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क, है ना, भुट्टा, कॉर्न क्या होते हैं, भुट्टे, कर्नल्स उसके जो उसको हम कह लें क्या कहते हैं, कर्नल्स बीज खा सकते हैं उसमें जो निकल रहे हैं करके, ठीक है ना, जो उसके पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है, अरे मतलब उसका बीज समझ लो, ठीक है, जो खाते हैं, एंड कोकोनट मिल्क, इन दो चीजों से हमें केमिकल मिला जिएटिन नाम का, ये नेचुरल था भैया क्योंकि प्लांट से मिल रहा है, ओके। अब क्या हुआ, कहानी समझ में आई, साइटोकाइनेटिन लाइक एक्टिविटी हमको कहां से मिली, काइनेटिन से मिली, लेकिन ये नेचुरल नहीं थी, नेचुरल की खोज की गई तो हमें जिएटिन मिल गया, ओके। आगे क्या कह रहा है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जिएटिन सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनेंस एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। जब से डिस्कवरी हुई जिएटिन की तो साइंटिस्ट कहां मानने वाला है, तुमने खोजा हम भी खोजेंगे,
रुको जरा अभी, ठीक है। तो सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइट, अब सबने ढूंढना चालू कर दिया, कुछ ना कुछ तो मिलेगा भैया, कुदरत बहुत बड़ी है कि जिएटिन मिल गया, सबने कहा अच्छा है तो खूब सारे मिले, ठीक है। कह भी रहा था सेवरल, कई सारे नेचुरली ऑकरिंग साइटोकिनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड्स, और कुछ सिंथेटिक ही बना लिया, कुछ कह रहा अच्छा तुम नेचुरल ढूंढो मैं सिंथेटिक बना लूंगा, खेल ही खत्म। विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी, अच्छा ये कंपाउंड ऐसे थे इनके अंदर सेल डिवीजन को प्रमोट करने की एक्टिविटी भी थी जो ढूंढे गए बाद में, अब उसके नाम नहीं दे रखा तो इसलिए ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, हैव बीन आइडेंटिफाइड नेचुरल साइटोकाइनिंस आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन, अब कह रहा है देखो ये लाइन बिल्कुल अलग होगी, नेचुरल साइटोकाइनिंस आर, देखो एनसीईआरटी की यही दिक्कत है, एक लाइन कहां नहीं बताई कि खूब सारे ढूंढ लिए गए अब वो कहीं और पहुंच गया, अब ये क्या करने लगा, नेचुरल साइटोकाइनिन की क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है किस हिस्से में, रीजन मतलब कौन सा पार्ट है, तो कह रहा है नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजंस वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर, मार्क कर लेंगे इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई पूछ लेगा कि साइटोकाइनिन प्लांट्स के अंदर कहां होते हैं, तो जहां पर रैपिड सेल डिवीजन होता है, फॉर एग्जाम्पल रूट एपिसेस, डेवलपिंग शूट बर्ड, यंग फ्रूट्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑब्वियसली बात है जहां जहां पर क्या हो रही होगी, प्लांट की ग्रोथ हो रही होगी, फ्लावरिंग हो रही होगी, फ्रूटिंग हो रही होगी, ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, नेचुरल साइटोकाइनिन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, मजा आ रहा है, अब आगे चलते हैं। ओके ये कहानी यहां खत्म कर दी, देखो एनसीईआरटी में फिर बार-बार कहता हूं हर एक पॉइंट में ना इसको ऐसे समझ लो कि डाटा देता है, ये एक डाटा अलग हो गया, एक डाटा अलग हो गया, कई बार लाइन है पिछली लाइन से कोई मतलब नहीं है, यहां उसने रीजन बता दिया, यहां उसने खोज बता दी, ठीक है, यहां उसने बताया कहां से पहला मिला, ठीक है, तो हर एक लाइन में हर एक पैरा में क्या होता जा रहा है, ये डिफरेंस होता जाता है, और फिर एनसीईआरटी हम लोग समझते हैं कि शायद पिछली चीज से कुछ कोरिलेटेड होगा, ऐसा नहीं होता है। ओके लेकिन एक चीज बता दूं मैं, हम लोग हर एक बड़ी सी चीज की एक छोटी सी चीज एनसीईआरटी में दे रखी है, हायर क्लास में जाओगे बीएससी एमएससी या अप लेवल में, ठीक है, यही सब अपने आप में साइटोकाइनिन डिटेल स्ट्रक्चर केमिकल फंक्शन सब मिलेगा तुम्हें, अभी हमारे पास डाटा है कि हाँ ऐसी कोई चीज होती है, कहां से मिला, कहां पाया जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, क्लियर है। आगे आते हैं, नई लाइन स्टार्ट होगी, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस, ये मदद करता है पैदा करने में न्यू लीव्स, लो फंक्शन आ गए इसके, तो ऑब्वियसली बात है नए पत्ते होंगे तो वहां पर क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस तो होगी होगी, तो लो सेल डिवीजन यानी कि साइटोकाइनेसिस, तो कहां काम मिलेगा ये, ठीक है, जहां पर प्रोड्यूस, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लैटरल शूट ग्रोथ, लैटरल साइड की शूट, शूट शूट पता है एक रूट होती है एक शूट होती है, तो साइड में जो शूट होती है उनकी ग्रोथ करवाती है, एंड एडवेंटिशियस शूट, एडवेंटिशियस पता है ना, एडवेंटिशियस शूट क्या होती है, ध्यान है एडवेंटिशियस रूट पड़ी थी, एक होता है प्लीम्यूल एक होता है रेडिकल, प्लीम्यूल से क्या निकलते हैं, शूट निकलते हैं, तो उसके प्लीम्यूल के अलावा कहीं और से शूट निकलेगा तो एडवेंटिशियस शूट, क्लियर है, फॉर्मेशन, ये इसके फंक्शन आ गए। अब बिल्कुल कहानी अलग कर दी इसने, अब बिल्कुल यहां से कहानी अलग, साइटोकाइनिन्स हेल्प, अब बताओ इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू, अब उसके बाद साइटोकाइनिन हेल्प, अब ये हेल्प ही चल रही है उसकी, कहां कहां हेल्प करता है वो, एक और हेल्पिंग नेचर आ गया इसका, किसमें, ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, याद है किसी को एपिकल डोमिनेंस, जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था अभी, हा जो क्या होता है एपिकल डोमिनेंस क्या था, जिसकी वजह से ऊपर की ग्रोथ होती रहती है और साइड की ग्रोथ नहीं होती है, तो माली क्या करता था ऊपर काट देता था जैसे कि वो खत्म हो जाए एपिसेस ऊपर के और ग्रोथ साइड में हो पाए, याद आया प्लांट की ग्रोथ की बात हो रही है, तो इट हेल्प टू ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, यानी कि ये जो प्लांट ऊपर ऊपर बढ़ता है उसको ओवरकम करेगा, ये ऊपर तो बढ़ेगा बढ़ेगा साथ साथ में अपने आप को साइड में भी, यानी कि ये केमिकल प्लांट को साइड में फैलने में भी हेल्प करेगा, फंक्शन है ये नोट करेंगे, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट्स मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स का मोबिलाइजेशन, फटाफट न्यूट्रिएंट इधर उधर जाएंगे, विच हेल्प इन डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस, यानी कि लीफ की मृत्यु को डिले कर देंगे, लीफ लेट मरेगा, क्यों, जल्दी जल्दी केमिकल्स खत्म हो रहे हैं उसके बाद जल्दी जल्दी पहुंचाएगा, मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा, इससे क्या होगा लीफ को लंबे समय तक न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, अगर कोई लीफ मर भी रहा है तो न्यूट्रिएंट्स जितना ज्यादा सप्लाई होती रहेगी उसके पास तो क्या होगा वो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, क्लियर है, बात समझ में आ गई,
तो फंक्शन ही फंक्शन है, फंक्शन की एक लिस्ट पक्का बनाए कौन क्या कर रहा है, फिर उसके बाद सभी की एक कंपैरेटिव लिस्ट पक्का बनाए, बहुत काम में आएगी ये, है ना। एक पहला वाला लिख करके, दूसरा लिख करके, तीसरा वाला लिख करके, इन सब की कंपैरेटिव लिस्ट, जो सेम सेम लगे वो एक साथ ऊपर लिख लेना, जो सब में सेम हो, 3, 4, 5 जो है हमारे पास यहाँ पर, जो सेम सेम लगे सबके एक साथ, ठीक है। इससे क्या याद करने में आसानी होगी, मैं फिर बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी समझना अलग बात है, हमको एनसीईआरटी को याद करना है, पहले समझ में आएगी तब ना याद करोगे। आगे आते हैं, इथाइलिन, समझे इथाइलिन, इथाइलिन सबको पता क्या होता है ना, इथाइलिन। तो कह रहा है इथाइलिन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर, सिंपल ये एक इकलौता कैसा है, यहां लिख लोगे गैस, ये क्या है, गैस है, ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो गैस की फॉर्म में है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस, किसके द्वारा बनाया जाता है, बाय टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस, जो टिश्यूज मरने की कगार पे होते हैं वो इसको सबसे ज्यादा बना रहे होते हैं। और कौन बनाता है, और जो फ्रूट पक रहे होते हैं, दो लोग बनाएंगे इसे इथाइलिन को, कौन कौन बनाएगा, पकता हुआ फ्रूट और मरता हुआ टिश्यू, ठीक है। इन ओके, ये कहानियां खत्म होगी, यहां से कुछ नया स्टार्ट कर रहा है, क्या कह रहा है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट। अब देखो यहां पर इन्फ्लुएंस क्या है, यहां पर सिंपल लिख सकता था क्या, अब इन्फ्लुएंस बच्चों को समझने में दिक्कत है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, अफेक्ट, ठीक है ना, यूज कह लो, इसका क्या अफेक्ट है, क्या प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है ना, किसके इन्फ्लुएंस में आप काम कर रहे हो, इन्फ्लुएंस यानी कि इथाइलिन के इन्फ्लुएंस क्या है, उसके प्रभाव क्या है, ऑन प्लांट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, सीडलिंग की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, सीडलिंग हमें पता है कोई भी बीज होता है तो उसकी ऐसे करके जाती है ना, और फिर ये इस तरह से निकलता है, बात समझ में आ रही है, यानी कि ऊपर वर्टिकल चलता है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको हॉरिजॉन्टल करवा रहा है, क्या करवा रहा है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। अब देखो तुम लोगों को अगर पता हो, एक मिनट कुछ हिल गया जरा, ओके सही है, एक मिनट, ठीक है। तो क्या क्या हो रहा है यहां पर, आओ देखते हैं, इथाइलिन प्रमोट, नहीं इससे पहले याद है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन। एपिकल हुक क्या होगा, ये मैंने हल्का सा बनाया भी, जब भी कोई तुमने पौधा उगता हुआ देखा होगा तो देखा होगा ऐसे करके पहले सीधा चलता है और फिर आखिर में थोड़ा सा ऐसा मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, हुक हो गया हमारा, ये क्या हो गया, हुक हो गया। तो याद रखेंगे इसको, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस, एक्सिस जो है हमारी, ठीक है, इसको थोड़ा सा मोटा करवाता है ये, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाता है ये, ठीक है। एंड एक्सिस, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग। तो स्पष्ट कर दिया, मोनोकॉट के अंदर नहीं, डाइकॉट की बात कर रहा है ये। ओके, एक कहानी हो गई कि यहां पे लिखोगे क्या अलग से, डाइकॉट के सीडलिंग्स में क्या क्या करवा रहा है ये, डाइकॉट के सीडलिंग की बात कर रहा है, स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग्स, जो डाइकॉट का बीज अंकुरित हो रहा है उसकी कहानी थी ये। आगे आते हैं, इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, बुढ़ापे को बढ़ा रहा है ना, ओके। एंड एब्सिशन, एब्सिशन क्या होता है, एक होता है बुढ़ापा बढ़ रहा है, उसका सिर्फ पत्ता जो लगा हुआ है ना अपने आप टूट के जो गिर गया, डेट इज कॉल्ड एब्सिशन, ठीक है ना, पत्ते का टूटना भी जरूरी है, ठीक है, जिससे कि फिर बाद में नए पत्ते आ सके, तो ठीक है। अब ये पत्ता लगा हुआ है, अगर ये अपने आप से नहीं टूटेगा तो भी दिक्कत है, तो ये जल्दी से टूट जाए, पत्ते का टूटना अपने आप से, दैट इज कॉल्ड एब्सिशन। अच्छा, पत्ता टूटे या फ्रूट टूटे या फ्लावर टूटे, सब किस कैटेगरी में आ जाएंगे, एब्सिशन के कैटेगरी में आ जाएंगे। बुढ़ापे की तरफ बढ़ना अलग बात है, और फिर पेट से डिटैच होके पेड़ से अलग हो जाना, ये कहलाता है एब्सिशन, क्लियर है बात, ओके। एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स, फ्लावर्स का और लीव्स का एब्सिशन और सेनेसेंस दोनों की बात कर रहा है ये, टर्म्स क्लियर कर लेना, क्या क्या करवा रहा है ये, इथाइलिन प्रमोट, कौन दो चीजें, यानी कि सीधी बात है ये मृत्यु का कारण है, बुढ़ापा लेके आ रहा है और पत्तों को अलग कर रहा है, तो क्या कर रहा है, एक तरह से मृत्यु, मौत लेके आ रहा है पत्तों की और फूलों की, चलो हटो जाओ,
क्लियर है, आगे आते हैं। एक कहानी खत्म होगी, हर एक लाइन में मैंने क्या कहा, डायकॉट सीडलिंग की बात कर दी, अब उसने कुछ और बात कर दी, पत्तों और फूल की बात कर दी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहां पर उसके फंक्शन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, फंक्शन चल रहे हैं उसके, क्लियर है। अगला फंक्शन देखो, इथाइलिन हाईली इफेक्टिव इन, अब हम चाहता या एनसीईआरटी वाले चाहते तो सिंपल कर सकते, इट इज यूज्ड, तीन चार लाइनें लिख दी उसकी। तो कह रहा है इथाइलिन हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को पकाने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये, बहुत तेजी से, जाहिर सी बात है फ्रूट का पकना इथाइलिन की वजह से बहुत फास्ट हो जाता है। इट इनहेंसेस, इनहेंस मतलब बढ़ा देना, इनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, रेस्पिरेशन मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है जिससे कि कोई चीज जिंदा रहती है ना, हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट। तो फ्रूट को राइपनिंग को इनहेंस कैसे करता, बढ़ाता कैसे, बाय इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन रेट, बाय इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा करके वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट को इंक्रीज करता है ना। हम लोग जितना तेज तेज सांस लेंगे उतना तेज तेज दौड़ सकते हैं, तो वैसे ही इसके अंदर एक समझ सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि जितना तेज तेज जल्दी जल्दी सांस लेगा ऑब्वियसली बात है उतनी जल्दी मौत भी आएगी। फिर बात समझ में आ रही है, सुना होगा शायद तुम लोगों ने, मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होता है जिंदगी उतनी छोटी होती है, जिन जानवरों का मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट जिंदगी उतनी छोटी, क्लियर है। कछुआ है ना लगभग 15 से 16 बार ही सांस लेता है एक मिनट में, लंबी जिंदगी जीता आराम से। आ जाओ आगे आते हैं, तो ठीक है कहानी समझ में आई, रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, दिस राइजेस इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, इसको नोट करेंगे। ये जो इथाइलिन है रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा दिया है, इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक, एक टर्म दे दिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्टिक कौन करवाता है, तो कौन करवाएगा, इथाइलिन करवाएगा, क्लियर है। चले आगे, क्या कह रहा आगे, इथाइलिन ब्रेक्स, अब ये सब फंक्शन, ये सब क्या चल रहे हैं, फंक्शन, एक और फंक्शन आ गया लो, ब्रेक सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी, सीड की डॉर्मेंसी डॉर्मेंट कंडीशन क्या होती है मैंने बताया था, कॉमन वाली कंडीशन, ठीक है, और बर्ड की डॉर्मेंसी जो बर्ड है जल्दी से फूल है ना, बर्ड बना हुआ हम देख रहे हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन फूल नहीं बन रहा, ठीक है, तो इन दोनों की डॉर्मेंसी को तोड़ेगा, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड, पीनट है ना मूंगफली के दाने में जर्मिनेशन को इनिशिएट करवाएगा, शुरू करवाएगा कि जल्दी से जर्म कर जाए, ग्रो मतलब उगना, जर्मिनेशन मतलब उगना, उगने में हेल्प करेगा। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, आलू की खेती देखी होगी कैसे होता है, यही जो आलू होता है काट काट के मिट्टी में दबा दिया जाता है और उसके अंदर फिर क्या निकलते हैं, स्प्राउट्स, स्प्राउट्स मतलब उसके अंकुर निकलते हैं, ठीक है। जब आलू हमने से एक ही आलू था इसको काट दिया, अब ये आलू ऐसा है, ठीक है, अब यहीं से क्या निकलेंगे, इसमें जो आँखें होती हैं इस आँखों से धीरे धीरे से पौधा जो प्लांट होता है वो निकलना शुरू होता है, क्लियर है। तो ये स्प्राउटिंग हो रही है, स्प्राउटिंग मतलब अंकुरित, इस में से क्या होते हैं अंकुर फूटना शुरू हो जाते हैं। आगे आते हैं, इथाइलिन प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड ऑब्लिक पैटियोर एलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, अभी राइस प्लांट की कहानी कर दी, आलूओं में स्प्राउटिंग करवा रहा है, पीनट में जर्मिनेशन करवा रहा है, ठीक है, ब्रेक सीड एंड सीड डॉर्मेंसी, सबके अलग अलग फंक्शन है यहाँ पे, ये याद करने वाला चैप्टर है बहुत ज्यादा, फिर बता रहा हूँ। राइस प्लांट में क्या करवा रहा है, ये इंटरनोड और पेटियोल का इलांगेशन करा रहा है, पानी के बहुत अंदर रहता है, पानी में डूबे रहते हैं, ये जो चावल के धान के पौधे हैं पानी में डूबे रहते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या करवा रहा है ये पेटियोल, पेटियोल पता ना क्या होता है, पत्ते के पीछे वाला पार्ट, ठीक है, और इंटरनोड, तो उसको क्या करवा रहा है ये इलांगेट करवा रहा है। इट हेल्प्स लीव्स, मदद कर रहा है किसकी, पत्तों की और अपर पार्ट्स ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, ठीक है, ये लंबाई बढ़ा देता है, इससे क्या हेल्प हो रही है ये कि ऊपर के पत्ते और शूट पानी के ऊपरी रहे, नीचे आएंगे तो पानी के नीचे जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, उनकी क्या होगी, डेथ हो सकती है, फोटोसिंथेसिस में भी कमी आएगी, बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, उनकी बात अभी हम यहां नहीं करेंगे। तो फिलहाल ये करके उसने क्या काम करवा दिया, पत्तों को और अपर पार्ट ऑफ शूट को रिमेन अबव द वाटर, पानी में ऊपर रहने में हेल्प करी। इथाइलिन आल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, लो एक और कहानी आ गई इसकी, अब उसकी कहानी अलग चली गई नोड की, अब ये रूट की ग्रोथ, पत्त जड़े और रूट हेयर, अब ऑब्वियसली बात है जितना ज्यादा जड़े होंगी उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का
एब्जॉर्प्शन होगा, बड़ा बेसिक सा दिमाग में कॉमन सेंस वाली बात होगी, जस्ट हेल्पिंग द प्लांट्स टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। अब इससे क्या हो गया, दस इस प्रकार हेल्पिंग द प्लांट, प्लांट की मदद करता है टू इंक्रीज देयर उनका एब्जॉर्प्शन सरफेस, सोखने का जो सरफेस है उसको बढ़ा दे रहा है। क्लियर है, आगे आए देखते हैं क्या कह रहा है। इथाइलीन इज यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। ये नोट करेंगे, फ्लावर को शुरुआत, इनिशिएट मतलब लिखते चलो भाई, देखो हिंदी मैं बोलता चलूंगा, इनिशिएट मतलब शुरू कराना, मैं एक बार बोलूंगा दोबारा नहीं बोलूंगा फिर, ठीक है। इथाइलीन यूज टू इनिशिएट, इनिशिएट क्या करवा रहा है, फ्लावरिंग, फूल को उगने में हेल्प कर रहा है, ओके। फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, अब ये क्या चीज है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट, इसका देखो क्या है, इन पाइनएप्पल्स इसकी क्या कहानी है सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। भाई अगर मान लो कहीं पर फसल है, खेती है, अब वहां पे मान लो फूल किसी पेड़ में अभी आज निकला, किसी पेड़ में 10 दिन बाद, किसी पेड़ में 15 दिन के बाद, ठीक है। अब क्या है 100 मतलब बहुत बड़ा बाग है, उसमें 100 फल आज पक रहे हैं, 100 फल कल पक रहे हैं, 100 फल दो महीने बाद पक रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गड़बड़ है मामला। तो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग चाहते हैं सारे के सारे फूल एक साथ, अब एक साथ मतलब ये नहीं कि तुरंत एक साथ हो जाए, जब भी उगेंगे एक साथ हो जाएंगे, मतलब 4-5 दिन के अंदर हो जाएंगे सबके सब, इतना अंतर रहेगा, और सब में फ्रूट भी एक साथ आएंगे, यानी कि जितने भी फूल थे वो सब के सब फ्रूट में बदल जाएंगे एक साथ 4-5-6 दिन के अंदर। तो एक ही बार में लेबर लगा के सारे फ्रूट निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, डेट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट। एक साथ फ्लावर और एक साथ फ्रूट का बनना, फ्लावर का एक साथ होना और फिर उन फ्लावर का फ्रूट में एक साथ बदल जाना। क्लियर है बातें, आगे आते हैं। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, ठीक है, इंड्यूस मतलब किसी चीज को उकसाना, है ना, किसको उकसा रहा है ये फ्लावर, कि फ्लावर बने किसमें, मैंगो में। सिंस इथाइलीन, क्योंकि इथाइलीन रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है किसको, सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, मैं समझा चुका हूं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इन एग्रीकल्चर, है ना, हमारी खेती बाड़ी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ये पीजीआर है, उसका रीजन दे दिया यहां पर। द मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथाइलीन, अब इथाइलीन भैया प्लांट के अंदर से तो निकाल निकाल के लाएंगे नहीं, किसी ना किसी केमिकल आर्टिफिशियल बना लिया होगा, तो कौन सा ऐसा केमिकल है जो हम डालते हैं और वो अपने अंदर से क्या निकालता है, इथाइलीन निकालता है, उसका नाम क्या है, इथिफोन, उसका नाम क्या है, इथिफोन है। क्लियर है, एक मिनट, ओके, तो कहां थे हम लोग, इथिफोन, इथिफोन कहां थे, इथिफोन, यानी कि इथिफोन वो केमिकल कंपाउंड है जिसको हम जब छिड़केंगे डालेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, इथाइलीन निकलेगा। क्लियर हो गया, यानी कि वो सारे काम करवाएगा जो ऊपर पड़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। इथिफोन इन एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस है ना, पानी में डाल दिया है, इज रेडिली एब्जॉर्ब, तुरंत ही एब्जॉर्ब हो जाता है, रेडिली मतलब तुरंत, लिखते जाना जगह जो बोल दे रहा हूं मैं, रेडिली मतलब तुरंत, या इसका मीनिंग रेडिली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट, प्लांट के अंदर, विद इन द प्लांट तुरंत एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस इथाइलीन, और रिलीज करता है, छोड़ता है क्या, इथाइलीन स्लोली, धीरे 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 प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद और प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट होने के बाद धीरे धीरे क्या छोड़ रहा है, इथाइलीन छोड़ रहा है। इथिफोन हैसेंस, हैसेंस मतलब मैंने बताया था किसी को स्पीड अप करना, फास्ट कर देना, फ्रूट राइपनिंग इन टमेटोज एंड एप्पल्स एंड एक्सेलरेट एब्सिशन, और एब्सिशन को भी यानी फल के टूटने को भी प्रमोट करता है इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, ठीक है, इन फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो देखो अब जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेट एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट, इसके अंदर थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी और वॉलनट, ये एक वर्ड लिख करके यहां पे छोड़ दिया, यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है ये क्या चीज है। देखो थिनिंग ऑफ कॉटन का कुछ और मतलब नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है यहां पर, कि जब हम लोग ऐसा ना मेड होती है ऐसे करके खेतों में, है ना, एक खेत है, खेतों में क्या है, क्यारियां बनी हुई है और
यहाँ पर ना पौधे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? पौधे। अब ये पौधे क्या हो गए, काफी पास पास हो गए, काफी पास पास हो गए, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहां पर कुछ को हटाना है। तो हम चाहते हैं बीच बीच में से ये गायब हो जाए, ये गायब हो जाए, ये गायब हो जाए, फिर ये इस तरह बीच बीच में ये सब गायब हो जाए, जिससे कि प्रॉपर स्पेस हो जाए और ये सही से ग्रो कर पाए। इसी चीज के लिए, बीच में हटाने के लिए, इसकी हेल्प से जब हटाते हैं हम लोग, तो इसको कहा जाता है थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी और वॉलनट, और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो कैसे होगा ये, एक्सेलरेट एब्सिशन, एब्सिशन को एक्सेलरेट करता है। तो इन पौधों को छिड़क देंगे, जल्दी जल्दी इनके पत्ते गिर जाएंगे और फ्रूट जो भी फ्लावर वगैरह इनके होंगे, फटाफट अगर होंगे भी तो हट जाएंगे और ये प्लांट जल्दी से यहां से चला जाएगा। क्लियर है? इट प्रमोट्स फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड। एक नया एग्जांपल लो भैया, कुकुम्बर, कुकुम्बर के अंदर जो फीमेल फ्लावर्स है उनको प्रमोट कर रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा फीमेल फ्लावर होंगे तो ऑब्वियसली बात है, ज्यादा ओवरी मौजूद होंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रूट पैदा होगा। क्लियर है? तो क्या हो जाती है, यील्ड इंक्रीज कर जा रही है। क्लियर है? चले आगे चले आओ, आगे चलते हैं। अब कह रहा है एब्सिसिक एसिड, नेक्स्ट आ गए हम लोग इथाइलिन के बाद एब्सिसिक एसिड में। तो क्या कह रहा है एब्सिसिक एसिड, आओ देखें जरा। ये कह रहा है एज मेंशन अर्लियर, जैसे हम पहले बता चुके हैं, मेंशन, कोई चीज मेंशन करना, बताना। एब्सिसिक एसिड ए बी ए वॉज डिस्कवर्ड, ढूंढा गया फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन। वो एब्सिशन को रेगुलेट करता था। एब्सिशन मतलब मैंने बताया, प्लांट से किसी चीज का टूट के अलग हो जाना, डिटैचमेंट। अब वो पत्ता हो सकता है ना, फ्लावर हो सकता है, एंड डॉर्मेंसी। ये दो चीजों को रेगुलेट कर रहा है, एक डॉर्मेंसी को और एक एब्सिशन को। लिख लेना, याद करने वाली चीज आ गई है। बट लाइक अदर पीजीआर, दूसरे पीजीआर की तरह ही, इट ऑल्सो हैज अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरे की तरह इसके भी बहुत सारे असर है, इफेक्ट है, वाइड रेंजिंग, काफी लंबी है ना रेंज है जहां जहां ये असर करता है ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्ट्स, ये काम करता है एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या है ये, ग्रोथ का इनहिबिटर है, एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। दो बातें नोट करेंगे, काम कैसे करता है ये, इट एक्ट एज अ जर्नल प्लांट ग्रोथ इनिबिटर। एक जर्नल है, प्लांट की ग्रोथ को इनिबिट करेगा, रोकेगा। इनिबिट मतलब रोकना, लिख लो। इनिबिट मतलब किसी चीज को रोकना, या इनिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, किसी के अंदर होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ओके, एबीए इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन को भी रोक रहा है। एबीए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ये फंक्शन सारे नोट करते चलना। सीड जर्मिनेशन इसको भी रोक रहा है, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा उसको करवा रहा है उसको करवा रहा है, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब कोई चीज करवाना, इनहिबिट मतलब रोकना। इट इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट, प्लांट की टॉलरेंस को बढ़ा रहा है, कैसे, टू वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस। सिंपल से देखें, धूप बहुत ज्यादा है तो स्टोमेटा अगर खुले रहेंगे तो अंदर से बहुत सारा पानी उड़ के बाहर चला जाएगा, तो ये स्टोमेटा को क्या करवा दे रहा है, बंद करवा दे रहा है, प्लांट के अंदर पानी बचा रहेगा और प्लांट मुरझाएगा नहीं, ठीक है। तो एक स्ट्रेस, स्ट्रेस मतलब ऐसी चीज जिससे उसको दिक्कत होगी, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, नोट करेंगे, क्योंकि ये कई तरीके स्ट्रेस, एक मैंने गिनाया धूप वाला, कि धूप ज्यादा तेज होगी तो स्टोमेटा क्लोज करवा देगा, ये तो एक स्ट्रेस मैंने यहां गिनवा दिया है। तो कई सारे स्ट्रेसेस में ये हेल्प करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है कि स्ट्रेस को झेल पाए, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेस हार्मोन। क्या नाम पड़ गया, स्ट्रेस हार्मोन। अब कह रहा है एब्सिसिक एसिड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट। लो भाई, रेगुलेट कर रहा है किसको, डॉर्मेंसी को, तो आ गया सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड डॉर्मेंसी, उसके मैच्यूरेशन में और डॉर्मेंसी में। तो सीड में डॉर्मेंसी में काम कर ही रहा था, तो वहीं से वर्ड, यहीं से लाइन को लपक लेना यहां से, क्या है ये, सीड डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड डॉर्मेंसी। ओके, आगे क्या कह रहा है, बाय इंड्यूसिंग, मैंने कहा था इंड्यूस मतलब किसी चीज को उकसाना, डॉर्मेंसी है ना, इंड्यूस करना यानी कि किसको उकसा रहा है, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करवाना है ना, इंड्यूस एक तरह से कह लो किसी को उकसा के कोई काम करवाना, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज करवाई जा रही है, डॉर्मेंसी। एवीए हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब यानी कि इंड्यूस करवा रहा है,
क्या इंड्यूस का मतलब कोई चीज करवाना, बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी को इंड्यूस करवाता है, यानी कि करवाता है कि डॉर्मेंसी हो, ठीक है, डॉर्मेंसी होएगी, इसकी वजह से क्या होता है जो सीड है वो विदस्टैंड, विदस्टैंड मतलब टिके रहता है, टिका रहना, आओ देखें जरा, ठीक है। डेसिकेशन, तुम गेहूं हो चना हो उसके बीज को ऐसे धूप में फेंक दो, ठीक है, तो धूप में फेंकने के बावजूद पूरा पूरा दिन धूप में रखो उसको, अगले दिन जब तुम कहाँ डालोगे, मिट्टी में गीला करके, वो उग जाएगा। इतनी तेज धूप में भी, जो गर्मी की तेज धूप है उसमें भी उसका कुछ नहीं हुआ, उसके बावजूद उसके अंदर 12-15% पानी बचा रहा। सीड के अंदर पानी होता है पता है ना, जिससे कि वो जिंदा रहता है, हमको लगता है सूख गया, तो सूखा नहीं है, बहुत कम मात्रा में पानी होता है। तो विदस्टैंड मतलब टिके रहना, डेसिकेशन मतलब पानी का सूखना, ये टिका रहता है किसके खिलाफ, हेल्प सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, पानी के सूखने के खिलाफ, कि पानी को नहीं सूखने दूंगा मैं जितना मर्जी धूप ले आओ, ठीक है। एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, और दूसरे फैक्टर्स जो ग्रोथ में अनफेवरेबल हैं, तो डॉर्मेंसी में किस तरह हेल्प कर रहा है, अगर उसके अंदर से पानी पूरा निकल गया तो जो थोड़ी बहुत मेटाबॉलिज्म सीड के अंदर चल रही है वो सब बंद हो जाएगी और सीड मर जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी काफी इंपॉर्टेंट है कि सीड डॉर्मेंसी में क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है किस तरीके से, डेसिकेशन पानी को सूखने नहीं देता है, टिका रहता है, सीड टू विदस्टैंड डेसिकेशन, ठीक है ना, पानी सूखने से टिका रहता है, सूखने नहीं देगा। ओके आगे आते हैं, इन मोस्ट सिचुएशन, ज्यादातर हालातों में सिचुएशन, ABA acts as an antagonist, विरोधी, antagonist मतलब विरोध करना, विरोधी, ABA act करता है विरोधी किसका, टू gibberellic या gibberellins का या gibberellic acid का, ठीक है ना, किसका antagonist है ये, किसका विरोधी है, gibberellins का, यानी कि gibberellins जो काम करवाएगा ये उसके काम उल्टा करेगा। अब क्या करोगे तुम लोग, कुछ नहीं, gibberellins और क्या है ये abscessic acid कंपेयर करवा दोगे इसको, क्या क्या काम इसके दोनों के उल्टे हैं, दो तीन होंगे खास खास, जब पीछे पढ़ के कंपेयर करवा दोगे तो बस ये क्या हो जाएगा, कंपैरिजन खत्म, और एक सारी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, अच्छा ये अभी तो देखो समझ में चीजें आती जा रही होंगी, ये करवा रहा, ये करवा रहा, समझते जाओ केवल अभी, उसके बाद देखो इसमें एक काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, एब्सेसिक एसिड लिख करके क्या क्या काम करवाता है, ये इस तरीके से पॉइंट्स तुमको बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज इसको याद करने में दिक्कत आती है। वी में समराइज, हम लोग समराइज कर सकते हैं, है ना, क्या कहते हैं, छोटी सी समरी बना ले, डेट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, कि एनी कोई भी और हर एक फेज ऑफ ग्रोथ की जो है डिफ्रेंशिएशन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, जो इसमें क्या होता है डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट होता है, वन और द अदर पीजीआर, कोई ना कोई एक पीजीआर हैज सम रोल टू प्ले, कुछ ना कुछ काम करेगा, सच रोल्स कुड बी, ऐसे जो रोल है कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं या विरोधी हो सकते हैं, ठीक है। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब क्या है कि कई बार प्लांट टू प्लांट में ना अलग अलग रोल देखे जाते हैं, इस प्लांट में ये अलग रोल कर रहा है, इस प्लांट में ये अलग रोल कर रहा है, डेट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिस्टिक, और सिनर्जिस्टिक कि हमने डाला और सभी प्लांट में एक जैसा असर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये एक समरी हमें दे दी गई और उसको हमने समझने की कोशिश की, तो लास्ट की ये लाइन हमें ध्यान रखनी है, ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बाद बाकी तो हमको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ रोल प्ले हो रहा है। तो कह रहा है रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट, ये एक लाइन उठ के आ सकती है, और दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, क्लियर है, इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, क्लियर है बातें ये। तो ये दो लाइन लास्ट की याद करने वाली है, ऊपर सारे फंक्शन है जो तुम्हें पढ़ने ही पढ़ने हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट पेज है हमारे पास वो क्या कह रहा है, सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स, ऐसे ही सेम इसी तरीके से यहां पर देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं हैं, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन द लाइफ ऑफ प्लांट, प्लांट की जिंदगी में, वेयर, जहां पर मोर देन वन पीजीआर, जहां पर एक या एक से ज्यादा पीजीआर इंटरेक्ट, आपस में मिलते हैं, टू अफेक्ट दैट इवेंट, आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, आपस में मिल करके क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, क्लियर है।
ओके आगे आते हैं. एग्जाम्पल डॉर्मेंसी इन सीड्स अब्लिक बर्ड्स, बर्ड्स और सीड की डॉर्मेंसी, एब्सेसेंस सेनेसेंस एपिकल डोमिनेंस एटसेट्रा. ठीक है ना, तो ये उसके एग्जाम्पल है जहां पर एक या एक से ज्यादा देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट. उस घटना को क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा पीजीआर मिल करके काम करवाएंगे. उस घटनाओं के क्या क्या नाम है, डॉर्मेंसी. यहां पर एक क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा, वेयर मोर देन वन, एब्सेसन मोर देन वन, सेनेसेंस एपिकल डोमिनेंस. यहां पर कम से कम दो या दो से ज्यादा पीजीआर मिल करके काम करते हैं. क्लियर है बातें, रिमेंबर याद रखेंगे. द रोल ऑफ पीजीआर इज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल. जो पीजीआर का रोल है वो इंट्रिंसिक कंट्रोल, हमने शुरुआत में करी थी, कहा था एक बात कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. याद आया, इंटरनल में हम लोग दो टाइप कैटेगरी कर सकते हैं, एक हो गया हार्मोन्स जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, और एक आ जाएगा जीनोम, उसका जेनेटिक पैटर्न. एक्सटर्नल में तुम्हें पता है एनवायरमेंटल फैक्टर होंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर. ठीक है, यानी कि बाहरी और अंदरूनी दो फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्लांट को अफेक्ट करेंगे. तो कह रहा है पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल. जो इंट्रिंसिक कंट्रोल है दो टाइप के, उनमें से एक टाइप का कंट्रोल है. अलोंग विद जीनोमिक कंट्रोल, जीनोमिक मतलब जेनेटिक कंट्रोल, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, और जो बाहरी फैक्टर हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, अब जनरल बात बता रहा है कि किसके साथ, जीनोमिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर साथ मिल करके ये प्ले करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट. मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक अब बाहरी फैक्टर की बात कर रहा है. ठीक है, मैनी ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो प्लांट के अंदर ना होकर के बाहर हैं, सच एज जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ये कंट्रोल करते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट को वाया पीजीआर. अच्छा, ये डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेंगे, ये अफेक्ट किसको करेंगे, प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर को, और फिर प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर जाकर के प्लांट के ऊपर असर दिखाएगा. यानी कि एक बात क्लियर हो गई है, टेम्परेचर और लाइट कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर. डायरेक्ट प्लांट के ऊपर इसका असर नहीं है, ये किसके थ्रू हेल्प कर, किसके थ्रू अपना असर दिखाते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के थ्रू अपना असर दिखाएंगे, डायरेक्ट असर नहीं दिखाएंगे. सम ऑफ सच इवेंट कुड बी, अब कुछ घटनाएं हैं जहां पर ये टेम्परेचर और लाइट अफेक्ट कर रही है, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, वर्नलाइजेशन है ना, कोल्ड बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले टेम्परेचर का कोल्ड होना, समझेंगे अभी हम लोग, फ्लावरिंग, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट एसेट्रा. तो उसमें से कुछ घटनाएं इसने बताई जहां पर पीजीआर की हेल्प से एक्सटर्नल जो वो है एनवायरमेंट है जिसमें टेम्परेचर और लाइट है वो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर डालते हैं. क्लियर है, वी शैल डिस्कस, अब कह रहा है ये, वी शैल डिस्कस briefly the role of light and temperature both of them. ठीक है, we shall discuss briefly the role of light and temperature both of them the extrinsic factor. दोनों कैसे हैं, extrinsic factor है और initiation of flowering. हम यहां पर mainly किसको लेके चलेंगे, role of light and temperature, किसको लेके चलेंगे, role of light और temperature में. तो role of light and temperature इसके बारे में discussion होगा. तो जिसमें सबसे पहले डिस्कशन है, हेडिंग डाली गई है एनसीईआरटी के अंदर, फोटो पीरियोडिज्म. फोटो लाइट, पीरियोडिज्म मतलब पीरियड, लाइट कितने समय के लिए कितने पीरियड के लिए प्लांट के ऊपर पड़ती है. ठीक है, उसके हिसाब से प्लांट के ऊपर उसके में प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, आओ उसको देखते हैं समझते हैं. तो क्या कह रहा है ये, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, सम प्लांट्स कुछ प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट. एक पीरियोडिक एक्सपोजर, एक खास समय का एक्सपोजर, मतलब लाइट चाहिए होती है कुछ समय के लिए, उसे एक्सपोज करना होता है लाइट को, टू इंड्यूस फ्लावरिंग, जिससे कि वो फ्लावरिंग इंड्यूस कर सके, फ्लावरिंग कर सके, अदरवाइज फ्लावरिंग वो फूल को पैदा नहीं कर पाएगा अपने ऊपर. बात समझ में आ रही है, तो
पीरियोडिक एक्सपोजर एक खास पीरियड का, मतलब इतने समय के लिए, दिन में 4 घंटे, दिन में 5 घंटे, दिन में 6 घंटे, इतनी लाइट रोज चाहिए, तब जाकर के उसके अंदर फ्लावरिंग होगी, यानी कि फ्लावर उसके अंदर आएंगे। इट इज ऑल्सो सीन डेट, ऐसा देखा गया है, सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। सच प्लांट्स आर एबल, ये प्लांट सक्षम है, सोचो जरा, ये प्लांट सक्षम है, एबल है टू मेजर, ये नाप लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट कि आज मेरे पत्तों ने कितनी देर लाइट खाई। ठीक है, अच्छा आज मेरे पत्तों ने 4 घंटे लाइट खाई है, हाँ ठीक है मैं फ्लावरिंग कर सकता हूँ। आज मेरे पत्तों ने 3 घंटे लाइट खाई, सर्दियां हैं, नहीं भाई मैं फ्लावरिंग नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो प्लांट के अंदर क्षमता है कि सेंस कर लेती है ये कि ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर लाइट कितना हुआ उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, मतलब फ्लावरिंग के लिए एक क्रिटिकल ड्यूरेशन सेट किया गया है कि इतना क्रिटिकल ड्यूरेशन, क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या है, इतना तो देर के लिए लाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये सेट किया गया, मतलब कि एक साथ समझ लो कि एक एवरेज देखा गया कि ज्यादातर प्लांट को इतना चाहिए चाहिए होता है, वो कितना है उसकी हम बात नहीं करेंगे अभी। यहां पर कह रहा है, यानी कि हमको एक बात समझ में आ गई, एक सबका निकाला गया और एक पीरियड सेट किया गया, 6 घंटे 7 घंटे इतनी लाइट सबको चाहिए। अब ये 6-7 घंटे कितना होगा एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता अभी, तो वो कितना है वो सेट है, यहां पे डाटा नहीं दे रखा कि कितना देर का चाहिए होता है। अब कह रहा है सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग, कुछ प्लांट्स को इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज्यादा, ये क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे ज्यादा देर के लिए लाइट चाहिए होती है, वाइल अदर्स मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन, और कुछ को इस क्रिटिकल ड्यूरेशन से कम समय के लिए लाइट चाहिए होती है। ठीक है ना, बिफोर द फ्लावरिंग इज इनिशिएटेड इन देम, इससे पहले कि फ्लावरिंग शुरू हो पाए, यानी कि उसको अपने अंदर फ्लावर लाने के लिए, किसी प्लांट्स को तो उस क्रिटिकल टाइम पीरियड से ज्यादा चाहिए होता है लाइट, किसी प्लांट्स को उस क्रिटिकल टाइम पीरियड से कम चाहिए होती है लाइट। ठीक है, द फॉर्मर, अब देखो यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लास्ट टाइम एक बच्चे ने डिस्कस किया था मेरे साथ, यहां सीधा सीधा लिख सकता था, जहां पर पीरियड एक्सीड कर रहा है ज्यादा, फॉर्मर मतलब इसकी बात हो रही है, जहां पीरियड एक्सीड कर रहा है, जहां पर लाइट ज्यादा चाहिए क्रिटिकल पीरियड से, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। इस लाइन को यही जोड़ना चाहिए था कि प्लांट विच रिक्वायर मोर पीरियड देन क्रिटिकल ड्यूरेशन आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट, व्हाइल द लेटर यानी कि बाद वाला जहां पे लाइट कम चाहिए वंस आर टर्म्ड एज शॉर्ट डे प्लांट, उनको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट, क्रिटिकल ड्यूरेशन जो हर प्लांट के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स, देर आर मेनी प्लांट्स हाउएवर वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावर रिस्पॉन्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड डे न्यूट्रल प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे देखे गए कोई फर्क नहीं है लाइट कितनी देर के लिए आ रही है, कितनी देर के लिए नहीं आ रही है ना। द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स, क्रिटिकल ड्यूरेशन क्या हो सकती है, अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग हो सकती है। देर आर मेनी प्लांट्स हाउएवर, ठीक है, वेयर, ठीक है, यहां पर कई सारे प्लांट है वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन, जहां पर ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, कैसा, बिटवीन द एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, कि लाइट कितनी देर के लिए पड़ेगी और तभी फ्लावर होगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट, न्यूट्रल है फर्क नहीं पड़ता। फिगर 15.12 इट नाउ, ओके फिगर 15.12, तो कह रहा है क्रिटिकल फोटो, एक ही आ गया क्रिटिकल फोटो पीरियड, ये लाइन दे दी यहां पर, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है ना, इसके नीचे रहेगा तो फ्लावर नहीं होगा, इससे ज्यादा लाइट मिलेगी तो ये फ्लावर करेगा। ठीक है, क्रिटिकल फोटो पीरियड ये है, इसके नीचे फ्लावर, इससे ऊपर आ जाएगा तो फ्लावर नहीं करेगा, ये फ्लावरिंग आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी, ठीक है ना, वेजिटेटिव मैच्योरिटी हो गई ये फ्लावर दे देगा, फर्क नहीं पड़ता है इसको कि क्या हो गया है, लाइट कितनी देर के पड़ रही है, क्या होना चाहिए केवल इसके लिए, वेजिटेटिव मैच्योरिटी, मतलब वेजिटेटिव पार्ट उसका मैच्योर हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, आ गया है, क्या कह रहा है ये, इट इज नाउ ऑल्सो नोन डेट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट, अब इट इज ऑल्सो नोन, है ना, क्या कह रहा है, इट इज नाउ, अब ये हम लोग जान चुके हैं डेट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड, लाइट की ही ड्यूरेशन नहीं बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो इक्वल इंपॉर्टेंस, जो डार्क पीरियड है
रात कितनी लंबी रहेगी उसका भी असर पड़ता है. Hence it can be said that, इसीलिए कहा जाता है that flowering in certain plants depend not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration. सिर्फ ऐसा नहीं है कि कितनी देर के लिए कॉम्बिनेशन की लाइट इतना दे दो डार्क इतना, ऐसा नहीं है. उन दोनों का रिलेटिव ड्यूरेशन कितना रहा, इतनी देर के लिए रात चाहिए इतनी देर के लिए दिन चाहिए, ये भी जरूरी है. ठीक है, तो अब फाइनली बात क्या आ रही है कि फ्लावरिंग जो है सर्टन प्लांट्स में डिपेंड नॉट ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर. हम केवल लाइट और डार्क को देख करके नहीं कह सकते बल्कि इन दोनों का रिलेटिव ड्यूरेशन कि डार्क इतना चाहिए लाइट इतना चाहिए. बात समझ में आ गया. ओके, दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड्स ऑफ डे एंड नाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियडिज्म. इसको कहा गया है फोटो पीरियडिज्म, जहां पर डे और नाइट दोनों का फर्क पड़ता है, डेट इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म. क्लियर है. इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट डेट, ठीक है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है जानना कि वाइल जबकि शूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्फ. अब देखो बिल्कुल नई कहानी यहां से स्टार्ट हो गई है. शूट एपिसेस है ना ये रूट, और ये इसके ऊपर क्या है शूट ग्रो कर रहा है प्लांट का. ठीक है, क्या कह रहा है, शूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्फ टू फ्लावरिंग एपिसेस प्रायर टू फ्लावरिंग. जो शूट का एपिसेस होता है ना ये अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, लीफ है ना, ये अपने आप को क्या कर लेते हैं यहाँ पे सेल्स होते हैं अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से फाइनली एक बर्ड बनता है और ये बर्ड बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो शूट का जो एपेक्स होता है वो अपने आप को मॉडिफाई करता है फ्लावर होने से पहले. ठीक है, क्या कह रहा है, प्रायर टू दे दैट इज शूट एपिसेस ऑफ प्लांट बाय देमसेल्फ कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कही इन्होंने. ये तो स्टेम है जब फूल आना है प्लांट का, मान लो ये वाला पार्ट था यहाँ फूल आना था, तो ये वाला हिस्सा ना इसको कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट कितनी देर के लिए आ रही कितनी देर के लिए नहीं आ रही है ना. ये कहता भैया ये काम तुम्हारा है, कौन पत्ते भैया का, पत्तों पत्तों बताओ लाइट कितनी देर के लिए पड़ी. अच्छा इतनी देर के लिए पड़ी है, चलो फूल बन जाओ, नहीं पड़ी हम फूल नहीं बनेंगे. बात समझ में आ रही है. तो पत्तों के ऊपर कितनी देर के लाइट पड़ती है यहां से प्लांट सेंस करता है कि क्या करना है, फ्लावरिंग करनी है नहीं करनी. तो साफ साफ लिखा है themselves cannot perceive, perceive मतलब किसी चीज को ग्रहण करना लेना फोटो पीरियड. ये फोटो पीरियड को खुद परसीव नहीं करता. द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट अब्लिक डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स. पत्ते वो जगह है जहां पर वो क्या कर रहा है परसीव कर रहा है. इट हैज बीन हाइपोथिसाइज्ड, हाइपोथिसाइज मतलब एक बात बोली गई जिसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता है, दैट देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग. कहा जाता है कि यहां पर कुछ ना कुछ हार्मोनल सब्सटेंस है जो कि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिसेस. अब फाइनली बात इन्होंने घुमा दी यहां पर. अब ये कह रहे हैं पत्तों ने देखा अच्छा लाइट पड़ गई है, तो मान लो यहां पर ये जो सब्सटेंस है जो फ्लावर करवाएगा ये जा करके ऐसे करके यहां पहुंच जाता है, कहता चलो फ्लावर करो यहां से हम होके आए हैं, यहां पे पत्ता इतनी देर के लाइट मिल गई हम आ गए यहां पर अब फ्लावरिंग करो. तो ये जो हार्मोनल सब्सटेंस है, ठीक है ये क्या है, ये हार्मोनल सब्सटेंस इतनी देर के लाइट पड़ जाती है तो पत्ते इनको सेंड कर देते हैं यहां पर और फिर यहां पर क्या होती है फ्लावरिंग हो रही है. यही बात ये कहने का है, ऐसा हाइपोथेसाइज किया गया है, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं है इसका. ठीक है, दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपिसेस वेयर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड ओनली आफ्टर. ठीक है ना, फॉर इंड्यूसिंग, ठीक है सब्सटेंस क्या करके शूट फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग ओनली व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज्ड, जब उसको उतनी देर के लाइट मिल गई है. क्लियर होगी बातें, फोटो पीरियड डे न्यूट्रल लॉन्ग डे शॉर्ट डे सारी बातें क्लियर हो गई. और हमको कौन सा प्लांट का पार्ट है जो लाइट को परसीव करता है वो सारी बातें समझ में आ रही है. क्लियर है, चले आगे. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्नलाइजेशन. क्या है वर्नलाइजेशन, कह रहा है देयर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी संख्या नंबर, और क्वालिटी किस क्वालिटी में, फ्लावरिंग की फूल के
पौधे मतलब प्लांट के ऊपर फूल आने की कितनी क्वांटिटी होगी या किस क्वालिटी का होगा फूल, है ना, दम होगी नहीं होगी, मुरझाया हुआ कैसा होगा, डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर। कुछ प्लांट में ये चीज डिपेंड करेगी लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कितना कम है, ठंडा है। दिस फिनोमेना इज नोन एज वर्नलाइजेशन, यानी कि सीधी बात है लो टेम्परेचर डिसाइड करेगा फ्लावर होने से पहले, फ्लावरिंग आने से पहले टेम्परेचर लो हो जाता है हमारे एनवायरमेंट का, वो लो टेम्परेचर डिसाइड करेगा कितने फूल आएंगे और कितनी अच्छी क्वालिटी के फूल आएंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्वांटिटी और क्वालिटी। इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन। अब कह रहा है इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, तो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि अगर जैसे ही प्लांट ग्रो कर रहा है, कुछ पौधों में ऐसा है कि प्लांट ग्रो कर रहा है और उसमें फ्लावरिंग आ गई, प्लांट पूरा ग्रो हो नहीं पाया और फ्लावरिंग आ गई और फ्रूट बनने लगे, तो वो क्या है उसका जो रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जो है उतना अच्छा नहीं आप हो पाएगा। प्लांट को पहले पूरा ग्रो होकर के मैच्योर हो जाना है, जब वो पूरा ताकतवर हो जाए कि हाँ अब हम फ्लावर लेके आएंगे और फ्रूटिंग करेंगे। तो जस्ट लाइक यहाँ पे वही कहना चाह रहा है जैसे कि ह्यूमंस में होता है एक एज सेट की गई है शादी की 18 के बाद, उससे पहले क्या है शादी होगी फ्लावरिंग मतलब कि प्रेगनेंसी वगैरह हो सकती है लेकिन दोनों की जान को खतरा होता है, वैसे ही यहाँ पर है कि एक खास समय प्रिवेंट द प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, यानी कि समय से पहले रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट ना हो जाए उसको ये रोकता है। ये लाइन को यहाँ पे नोट करेंगे, कई सारे पहलुओं में बातें होती हैं, यहाँ पर एक लाइन दे दी गई है, अब ये कैसे होता है इसको अभी हम यहाँ पे डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। लेट इन द ग्रोइंग सीजन, ठीक है, ऐसा कब होता है जब ग्रोइंग सीजन हो रहा होता है, ये प्लांट ग्रो हो रहा है और जैसे ही आखिरी में पहुंचता है ग्रो होते होते फ्लावर आ गए उसके अंदर, ठीक है, अब ग्रो हो ही रहा है, मैच्योरिटी भी नहीं आया है, क्लियर है। ये लाइन यहां पर ला करके इन्होंने कर दी खत्म, ये वर्ड को यहां कर लोगे नोट, ठीक है, आगे आते हैं आप क्या कह रहा है, ठीक है। एंड इनेबल्स अ प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी, ठीक है, बात समझ में आ गई। वो ऐसा नहीं, एक होता है बच्चा ग्रो कर रहा है ना 18 साल तक मानते हैं हम लोग, क्या हो रही है ग्रोथ होती है लड़कों में और लड़कियों में, उसके बाद ही शादी होनी चाहिए, है ना। तो सेम पीरियड यहां पे प्लांट के लिए वहां से कंपेयर कर सकते हैं कि जब तक मैच्योर ना हो जाए उससे पहले फ्लावर ना हो जाए तो वर्नलाइजेशन उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। वर्नलाइजेशन, अब ये कहानियां खत्म कर दी, वर्नलाइजेशन रेफर स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर। तो ये खासकर किसके लिए रेफर किया जाता है वर्नलाइजेशन, कि फ्लावरिंग से पहले लो टेम्परेचर, ये बात क्लियर कर लेना। फ्लावर होने से पहले अगर लो टेम्परेचर दिया जाता है या दिया जाए तो, और या फिर लो टेम्परेचर के बाद फ्लावरिंग हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्नलाइजेशन कहते हैं। सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स वीट, गेहूं, बार्ले, गेहूं का सबको पता है ना अक्टूबर नवंबर की तरफ लगाए जाते हैं, फिर दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड मिलती है उसको, उसके बाद जाके उसमें फूल आते हैं, फेब मार्च की तरफ अप्रैल की तरफ जाके कटाई छटाई हो जाती है उसकी, ठीक है। बार्ले राई हैव टू काइंड्स ऑफ, ठीक है ना, प्लांट्स वीट बार्ले राई हैव टू काइंड्स ऑफ वैरायटी, विंटर एंड स्प्रिंग वैरायटी। तो कह रहा है सम इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स वीट बार्ले राई, इन तीन की बात करें कि दो वैरायटी होती हैं, एक विंटर वाली और एक स्प्रिंग वाली, ठीक है। द स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड, स्प्रिंग वाली होती है नॉर्मली प्लांट कर दिए जाते हैं इन स्प्रिंग एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन से पहले पहले क्या होता है यहां पर, ग्रेन आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं और खेल खत्म। विंटर की बात करें, विंटर वैरायटीज हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्लावरिंग सीजन, ठीक है ना। अगर हम विंटर सीजन वाले को इसमें स्प्रिंग वाले सीजन में लगा देंगे तो ये फेल हो जाएगा, ये क्या नहीं कर पाएगा, मैच्योर ग्रेन्स को पैदा नहीं कर पाएगा। हैंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम, इसको हम लोग कहां पैदा लगाते हैं, ऑटम में, दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज ए स्मॉल सीडलिंग। विंटर में ये सीडलिंग अंकुरित होकर के बाहर आते हैं, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी कि मैंने बताया जो मार्च का टाइम आ गया उसमें अपनी ग्रोथ को रिज्यूम करते हैं, एंड आर हार्वेस्टेड यूजली अराउंड द मिड समर, समर के मिड में, ठीक है ना, उसमें इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ओके आगे आते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट, बाइनियल मतलब ऐसे प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल दो सीजन में पूरी करते हैं, ठीक है।
बाइनियल आर मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक मतलब जो एक ही बार फसल देने के बाद मर जाएंगे, ठीक है ना, डेट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन, जो नॉर्मली क्या करते हैं फ्लावर करेंगे डाई करेंगे, मतलब फ्लावरिंग देंगे और डाई मर जाएंगे दूसरे सीजन में। अब पॉलीकार्पिक यानी जो बार बार फसल देते हैं वो पॉलीकार्पिक हो जाते हैं, ठीक है, बाइनियल एक पेरेनियल होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बाइनियल एनुअल जो एक सीजन में ही अपनी ग्रोथ करके फ्लावर दे करके खत्म हो जाएंगे तो बाइनियल एंड मोनोकार्पिक कहलाते हैं हमारे पास, सॉरी एनुअल और मोनोकार्पिक कौन, जो एक ही सीजन में ग्रो होंगे फ्लावर करेंगे और मर जाएंगे, बाइनियल जो जिनको दो सीजन लगते हैं और इस सेकंड सीजन में फ्लावर फ्रूट दे करके खत्म हो जाते हैं, एग्जांपल सुगर बीट, कैबेज, कैरेट, है ना, गाजर, गोभी आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ अ बाइनियल प्लांट टू कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट अ सब्सिक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। तो क्या देखा गया है, हमने सब्जेक्ट किया, सब्जेक्टिंग मतलब एक तरह से सब्जेक्ट बना लिया इसको, ग्रोइंग ऑफ ए बाइनियल प्लांट, जब बाइनियल प्लांट था उनकी जो ग्रोथ थी उसको हमने क्या किया, कोल्ड ट्रीटमेंट दिया और इस कोल्ड ट्रीटमेंट ने स्टिमुलेट किया सब्सक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स। कोल्ड ट्रीटमेंट के बाद क्या मिल गया हमको, फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, फोटो पहले हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया फिर फोटोपीरियड के हिसाब से यहाँ पे फ्लावर आने स्टार्ट हो गए। क्लियर है बातें, तो यहाँ पर ये कुछ हमको एक तरह से कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंट की बातें बता रहा है ये, कि किसके अंदर एक्सपेरिमेंट बाइनियल प्लांट के अंदर करके क्या देखा गया, ठीक है। अब बच्चे कह रहे सर इसका क्या काम, यहाँ पे हम लोग क्या करें इसका, बेटा यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई खास काम नहीं है, एक डाटा दिया गया कि ऐसा ऐसा हमने देखा और पाया है, तो फिलहाल क्या है तुम्हारे पास क्वेश्चन आगे ज्यादा नीट में कि अच्छा किसमें देखा गया, क्या हुआ, कैबेज था, क्या था, क्या नहीं था। अब इसकी पूरी बाल की खाल निकालने चले जाओगे तो रिसर्च लेवल पे चले जाओगे, हमें वो नहीं करनी है, बात समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा 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 होता है, ठीक है, क्यों, बात समझ में आ गई कुछ चीज़ें। अब ऑब्वियसली बात है बहुत से बच्चों को खेती के बारे में जानते भी नहीं होंगे तो उनके लिए तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लग रहा पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, कि अच्छा गेहूँ उगता है क्या होता है कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब ऐसे बच्चे फिर क्या कहेंगे सर हमें पूरी खेती जाननी है, तो भाई बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, ठीक है। तो एक डाटा है हमारे पास यहाँ पर कि ऐसा ऐसा होता है, फ्लावर होने से पहले जब लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है तो उसे वर्नलाइजेशन कहा जाता है, उसी को लेकर के कुछ दो चार डाटा वाले पॉइंट हमें यहाँ दे दिए गए। क्लियर है बातें, ओके। नेक्स्ट कम टू सीड डॉर्मेंसी, तो डॉर्मेंसी वर्ड का मतलब सबको पता ही है, कह रहा है देयर आर सर्टन सीड्स, यहाँ पर कुछ बीज ऐसे हैं विच फेल्स टू जर्मिनेट, जो जर्मिनेट होने में फेल हो जाते हैं इवन वेन एक्सटर्नल कंडीशंस आर फेवरेबल, बाहरी कंडीशन फेवरेबल हो तब भी कुछ सीड ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों भैया, क्यों हो जाता है ऐसा, आओ समझते हैं। सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडरगोइंग अ पीरियड ऑफ डॉर्मेंसी, तो ऐसा समझा जाता है कि ये सीड कहाँ है, डॉर्मेंसी वाले पीरियड में है, अभी हम डॉर्मेंट हैं, विच इज कंट्रोल्ड नॉट ओनली बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बट आर अंडर एंडोजिनस, एंडोजिनस मतलब अंदरूनी, एंडोजिनस मतलब अंदरूनी कंट्रोल और कंडीशंस विद इन द सीड इटसेल्फ। क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है, हमने तो मिट्टी में डाल दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, अभी बीज उग नहीं रहा है, क्योंकि कुछ फैक्टर एंडोजिनस हैं, अंदरूनी है, जो कंट्रोल कर रहे हैं सीड को उगने नहीं दे रहे हैं। क्लियर है, क्या क्या हो सकता है, पहली चीज इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, पानी तो डाला हमने लेकिन सीड के अंदर पानी घुसा नहीं, सीड कोट इम्परमिएबल टू, ठीक है, हार्ड सीड कोट, सीड कोट बहुत टफ थी, अगर पानी चला भी जाता तो अंदर से जो अंकुर आ रहा था बाहर, ठीक है ना, वो सीड कोट को फाड़ के बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ केमिकल इनिबिटर्स, कुछ केमिकल ऐसे होंगे जो उसको रोक रहे होंगे, इनिबिट कर रहे होंगे, जस्ट लाइक एब्सेसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड एंड इमेच्योर एम्ब्रियोस आर सम ऑफ द रीजन विच कॉज सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या क्या मिल गया हमको, सीड डॉर्मेंसी के कारण मिल गए, ठीक है, कुछ इनिबिटर मिल गए, इनिबिटर में ए बी ए, फिनोलिक एसिड और पैरास्कॉर्बिक एसिड आ गया, एक ये आ गया केमिकल, केमिकल यहीं तक ही थे, फिर बोल रहा है, ठीक है, और अगला कारण क्या बता रहा है, इमैच्योर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या इमैच्योर है, पूरा मैच्योर नहीं हो अभी भी, आर सम ऑफ द रीजन विच कॉजेज सीड डॉर्मेंसी, ये कुछ कारण है सीड डॉर्मेंसी के, ओके। यहां पर हमें क्या बदल गया, कारण बदल गया, क्या क्या कारण होते हैं, दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम, ये डॉर्मेंसी हाउएवर तो भी ओवरकम हो सकती है थ्रू नेचुरल मीन्स, ठीक है ना, ये जो डॉर्मेंसी है नेचुरली कैसे ओवरकम होती है या हो सकती है, ठीक है,
एंड वेरियस अदर मेन मेड मेजर्स, मतलब कि ये जो डॉर्मेंसी है ना जी, ये नेचुरली भी दूर हो सकती है और मैन मेड हम लोग अपने हाथों से भी दूर कर सकते हैं. एग्जाम्पल दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल द सीड कोड बैरियर इन सम सीड. सीड कोड बहुत टफ है. कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशंस यूजिंग नाइफ, है ना. वो सीड कोड हम लोग ऐसे रगड़ देंगे, चाकू से मार देंगे तो सीड कोड ऊपर के टूट जाते हैं. ठीक. सैंड पेपर, है ना, सैंड जो रेगमाल होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें ऐसे रगड़ दिया जाता है तो ऊपर का जो सीड कोट होती है वो कमजोर पड़ जाती है, एटसेट्रा. और विग्रस शेकिंग, ले करके हिला दिया बहुत तेज, तो ऊपर की सीड कोट क्या है, हमें सीड कोट को चटकाना है किस तरीके से कि अंदर पानी घुस जाए, वहां से अंदर से अंकुर बाहर निकल आए. ये तो हो गया मैन मेड मैकेनिकल. किसकी बातें थी, सीड कोट की. किसकी बातें थी, ये सीड कोट के लिए मैकेनिकली हम लोग उसको कैसे कमजोर कर सकते हैं. कुदरती कैसे कमजोर होगा, नेचर में. तो नेचर में कैसे होता है, दीज एब्रेशंस आर कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शंस. या तो माइक्रोब, सीड कोट कहीं पड़ा हुआ, माइक्रोब आएंगे सीड कोट को थोड़ा सा खाएंगे, गलाएंगे, कमजोर पड़ जाएगा. या पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स, जानवर ने बीज खाया, फल खाया, बीज पेट में गया, पेट के अंदर क्या थे, एंजाइम्स थे, उन एंजाइम्स ने सीड कोट को गलाकर थोड़ा कमजोर कर दिया. और वो जब बीट से बाहर आ जाएगा, बॉडी से पॉटी में उनके बाहर आ जाएगा, तो वो जहां गिरेगा अब उसका सीड कोट क्या कमजोर हो चुका है, इजिली ग्रो करेगा. बात समझ में आ रही है. इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड्स टू चिलिंग कंडीशन और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स. कह रहा है जो इनहिबिटर सब्सटेंस है, जो इनहिबिटर्स हैं, केमिकल्स हैं, फिनोलिक एसिड पीछे देखा हमने, ठीक है ना, कौन कौन सा, फिनोलिक एसिड, पैरास्कॉर्बिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, इनको खत्म करने के लिए, इनका असर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बाय सब्जेक्टिंग द सीड को क्या करेंगे, चिल, ठंडा, एकदम ठंडी कली कंडीशन में जाकर रख देंगे, केमिकल बेकार हो जाएंगे, ये जम जाएंगे. ठीक है. और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टन केमिकल्स लाइक, या हम लोग उसके ऊपर किसी एक दूसरे केमिकल छिड़क दें, डेट इज गिब्रेलिक एसिड एंड नाइट्रेट्स. ठीक है. चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन, या कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस आ जाए, सच एज लाइट एंड टेम्परेचर आर अदर मेथड्स टू ओवरकम सीड डॉर्मेंसी. यानी कि हम लोग कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में चेंजेस ला करके, यानी कि लाइट और टेम्परेचर में कुछ चेंजेस ला करके क्या कर सकते हैं, सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे पास अगेन एक क्या है, ये डाटा है सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का. मैनमेड तरीका देखा, नेचुरल तरीका देखा, ठीक है ना. और क्या क्लाइमेट भी इसमें हेल्प करता है, तो आंसर है यस. ये लाइन में आ रहा है हमारे पास कि क्लाइमेट भी इसमें हेल्प करते हैं. तो बच्चों ये क्या है, ये बायोलॉजी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, वो एक तरह से डाटा से भरी हुई है कि ऐसा 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 हो सकता है, ये उसके एग्जाम्पल है. ठीक है. ये चैप्टर में तो डाटा ज़्यादा था, ठीक है. कुछ चैप्टर में कुछ प्रोसेस भी होंगी, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे क्या है, कुछ प्रोसेस भी हमारे पास. तो हमको बहुत ज़्यादा डिटेल में या बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है, फिर बता रहा हूँ. क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी NCERT के हिसाब से सीमित है. थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा नॉलेज अगर चाहते हो तो अपनी तरफ से रख सकते हो. नीट में जो ट्रेंड चल रहा है, टोटल NCERT चल रही है, बाहर का कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है. तो क्या करना है, बात समझ में आ गई है. पहला कदम नीट के लिए बायोलॉजी को समझना, NCERT की लाइंस को समझना, NCERT की लाइंस को समझना, ठीक है. और फिर दूसरा कदम हमको क्या करना है, जहां तक हो सके पॉइंट्स निकाल लो या इनको मार्क कर लो. उन पॉइंट्स को फिर बार बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है. रिवीजन करने से ही क्या होने वाला है, पता है ना, रिवीजन से ही मिलेगा सिलेक्शन. रिवीजन ही है सिलेक्शन. हाउ, कैसे, कैसे सर, अरे भाई जब 10 बार इसको पढ़ लोगे तो हमें पता होगा किस लाइन में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या डाटा यहाँ दे रखा है, और वही क्वेश्चन हमारा कहाँ आएगा, नीट में आएगा, तो हम उसको कर पाएंगे. क्लियर है. तो क्या करना है, समझ लेना एक बारी और फिर उसको रिवाइज करना है. ओके, ऑल द बेस्ट.